हेलो एवरीवन, वेलकम टू YCT बुक ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइलम प्लेटीहेलमिंथीज के बारे में। ठीक है, एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं। देखिए, इसके तीन चार फाइलम हमने कवर कर लिए हैं। आज जो हम फाइलम पढ़ने वाले हैं वो फाइलम प्लेटीहेलमिंथीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जुड़ जाइए आप सब लोग और बताइए कि कैसे स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं फाइलम प्लेटीहेलमिंथीज को क्यों क्या बोला जाता है और इनके करेक्टर्स क्या हैं, किस बेस पे इनको फाइलम प्लेटीहेलमिंथीज बोला जाता है। देखिए, फाइलम प्लेटीहेलमिंथीज को एक नाम से और जाना जाता है, इनको फ्लैट वर्म्स बोला जाता है। ठीक है, तो इनको क्यों बोला जाता है, इसी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, फाइलम प्लेटीहेलमिंथीज हम बात कर रहे हैं, फाइलम प्लेटीहेलमिंथीज। तो प्लेटीहेलमिंथीज जो वर्ड है ये दो वर्ड्स से मिलकर बना है। ठीक है, फाइलम प्लेटीहेलमिंथीज को अगर हम तोड़े तो दो वर्ग में तोड़ेंगे। पहला है वो है प्लेटी, जिसका मतलब होता है फ्लैट, फ्लैट मतलब कि चपटे आकार का। ठीक है, और दूसरा जो वर्ड है वो आता है हेलमिंथीस, इसका जो मतलब होता है वो होता है वर्म्स। वर्म्स मतलब पतले कीड़े जो क्या है, फ्लैट टाइप के होंगे। तो प्लेटी हेलमिंथीस को फ्लैट वर्म्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, फ्लैट के मतलब चपटे आकार के, और हेलमिंथीस से मतलब होता है टू वर्म्स। ठीक है, प्लेटी हेलमिंथीस का सीधा सा मतलब क्या हो गया, फ्लैट वर्म्स। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, फ्लैट वर्म्स को पढ़ेंगे, चपटे आकार के जितने सूक्ष्म जीव हैं, बेसिकली पैरासाइट होते हैं, तो उनके बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्लेटी हेलमिंथीस फाइलम कंटेनिंग अबाउट 20,000 स्पीसीज ऑफ सॉफ्ट बॉडीज। अगर हम नंबर्स की बात करें कि प्लेटी हेलमिंथीज में अभी तक फिलहाल कितनी नोन स्पीसीज हैं, तो नोन स्पीसीज की अगर बात करें तो वो लगभग कितनी है, 20,000 स्पीसीज हैं। ठीक है, सिमिट्री कैसी होती है इनकी, मोस्टली बाइलेटरल सिमिट्री होगी। आगे देखेंगे कैसे बाइलेटरल सिमिट्री दिखाई देगी। इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं। इनवर्टिब्रेट का मतलब इनमें क्या है, इनमें बेसिकली नोटोकार्ड अब्सेंट होगा। ठीक है, इसलिए इनको इनवर्टिब्रेट ही बोला जाएगा। कॉमनली कॉल्ड फ्लैट वर्म्स, नॉर्मली इनको क्या बोला जाता है, नॉर्मली फ्लैट वर्म्स की संज्ञा में रखा गया है। क्यों? क्योंकि इनका जो शरीर होगा वो क्या होगा, चपटे आकार का होगा। फ्लैट से मतलब होता है चपटा। ठीक है, प्लेटी हेलमिंथीस आर मोस्टली वर्म्स लाइक क्रिएचर दैट आर डार्सो वेंट्रली फ्लैटेड। इनकी स्ट्रक्चर की अगर बात करें कि इनके शरीर का आकार कैसा होगा, इनका साइज कैसा होगा, तो साइज हम देख रहे हैं पैरासाइट है, बहुत छोटे साइज के होंगे। उसके बाद मोस्टली क्या है, वर्म लाइक क्रिएचर है, मोस्टली क्या है, वर्म की तरह दिखाई देंगे। और अगर इनके सरफेस में, सॉरी इनकी बॉडी की सरफेस की बात करें, तो ये क्या होते हैं, दो सरफेस में डिवाइड होते हैं। जैसे कि लीफ लाइक संरचना होती है इनकी, पत्ती के समान संरचना होती है, पत्ती के जैसे डॉर्सल और वेंट्रल पार्ट होते हैं, वैसे ही ये फ्लैट होते हैं। तो फ्लैट है तो उसका मतलब दो साइड में डिवाइड होंगे, एक डॉर्सल होगा एक वेंट्रल होगा। ठीक है, ये डॉर्सो वेंट्रली क्या है, फ्लैटेड है। दिस इज व्हाई दे आर कॉल्ड नेम्स सच एज टैप वर्म, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, टैप वर्म बोला जाता है, फ्लूक बोला जाता है, और प्लानेरियंस बोला जाता है। ठीक, ये इनके क्या है, कॉमन नाम है जो बोला जाता है। प्लेटी हेलमिंथीज में बेसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो टैप वर्म्स पढ़ेंगे, फ्लूक पढ़ेंगे, और प्लानेरियंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, द प्लेटी हेलमिंथीज हैव ए डिफाइनेट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ सेंसरी ऑर्गन एंड नर्वस टिश्यू एट वन एंड ऑफ दियर बॉडी, गिविन देम ए डिस्टिंक्ट हेड एंड ए टेल। अगर इनके पूरी बॉडी की बात करें तो पूरा बॉडी देखिए चपटे आकार का है, वर्म है, तो वर्म क्या है, दो पार्ट में डिवाइड होगा। अगला पार्ट जो होगा वो हेड वाले पार्ट में होगा, और दूसरा जो पार्ट होगा लोअर पार्ट, ये पिछला वाला पार्ट, वो क्या होगा, वो टेल में डिवाइड होगा। नर्वस टिश्यू की बात करें तो इनमें सेंसरी ऑर्गन और नर्वस टिश्यू ये भी पढ़ेंगे, कैसे कैसे प्रेजेंट है देखेंगे। ठीक है, दे आल्सो हैव डिस्टिंक्ट अपर एंड लोअर बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस की बात करें तो इनमें क्या है, डॉर्सल और वेंट्रल दो बॉडी सरफेस देखने को मिलेंगी। अपर पार्ट को क्या बोलेंगे, जैसे अगर हम अपनी बात करें तो जो हमारा माउथ वाला सामने वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको वेंट्रल बोलेंगे, और जो पीछे वाला पार्ट है उसको डॉर्सल बोलेंगे। ऐसे ही इनकी बॉडी भी अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड है। अपर पार्ट को डॉर्सल और लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं, वेंट्रल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनके हैबिटेट और हैबिट की बात कर ले कि ये कहाँ पे दिखाई देंगे। मेनली एक्वाटिक
ज्यादातर क्या है, एक्वाटिक होंगे, कुछ इंडोपैरासाइट भी होंगे ह्यूमंस के अंदर, या और भी जो वर्टिब्रेट हैं उनके अंदर क्या होते हैं, ये पैरासाइट की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है, उनके अंदर ही क्या होंगे, पाए जाएंगे, ठीक है। सम आर फ्री लिविंग, इनमें से क्या है, कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं। फाइलम प्लेटिहेलमिंथीज के जनरल करेक्टर्स देखते हैं। नंबर ऑफ स्पीसीज की बात करें तो अभी हम देख रहे थे लगभग कितनी थी, 20,000 स्पीसीज थी, फिलहाल उससे बड़े, ये अभी 2019 का डाटा है, इसके अकॉर्डिंग कितनी है, 29,487 स्पीसीज टोटल अभी तक रिपोर्टेड हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। अगर पूरे वर्ल्ड में बात करें कि अभी तक की नोन स्पीसीज कितनी है, कितनी रिकॉर्डेड है, तो कितनी है, 29,487 स्पीसीज, ठीक है, ये टोटल वर्ल्ड की बात हो रही है, पूरे वर्ल्ड में अभी तक की फिलहाल फाइलम प्लेटिहेलमिंथीज के जितनी नोन स्पीसीज हैं तो वो कितनी है, 20,487, ठीक है। हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें, हैबिट और हैबिटेट की बात करें कि इनकी हैबिट कैसी होगी और इनका रहन सहन है जो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, मोस्टली पैरासाइट, अभी जैसे हमने देखा एक्वाटिक है, कुछ पैरासाइट हैं, मोस्टली क्या है, पैरासाइट है, मैक्सिमम क्या है, इंडो पैरासाइट एंड सम एक्टोपैरासाइट, मोस्टली क्या है, पैरासाइट है, और पैरासाइट में भी किस टाइप के पैरासाइट है, तो इंडो पैरासाइट है, मतलब कि किसी भी जीव के अंदर ही निवास करते हैं, ठीक है, उनको इंडो पैरासाइट बोला जाता है। एक जो पैरासाइट का मतलब कि बाहर एटमोसफियर में पैरासाइट होंगे तो उनको एक्टो पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है, इंडो पैरासाइट होंगे मोस्टली। सम आर फ्री लिविंग, कुछ फ्री लिविंग भी पाए जाते हैं, मैराइन और फ्रेश वाटर, जैसे कि मैराइन और फ्रेश वाटर में जैसे कि बात करें प्लानेरिया की, वो क्या होता है, वो बेसिकली फ्री लिविंग होता है, ठीक है, एंड रेयरली कॉमन सेल्स, इनमें क्या है, कॉमन सेल्स ज्यादातर नहीं देखने को मिलता है, रेयर होता है कि ये कॉमन सेलिज्म को शो करे। कॉमन सेलिज्म से मतलब ये होता है कि कोई ऐसा जीव जो क्या कर रहा है, दूसरे जीव की बॉडी में निवास कर रहा है, उसको बिना चोट पहुंचाए, ठीक है, उसको बिना कोई भी नुकसान पहुंचाए, तो वो होता है बेसिकली, हम कॉमन कह सकते हैं कि दोनों में कॉमन ये है कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, या दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं किसी न किसी तरह से, बट दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे कॉमन सेलिज्म। ये क्या है, प्लेटिहेलमिंथीज के एनिमल्स क्या है, जनरली क्या है, कॉमन सेलिज्म शो नहीं करते हैं, ठीक है। हैबिट की बात करें, क्या है, मोस्टली पैरासाइट है, और पैरासाइट में भी क्या है, जैसे इंडो पैरासाइट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, वो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, टिश्यू ग्रेड डेवलप हो जाता है, यहाँ टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे टैप वर्म है, टैप वर्म देखिए इसकी संरचना जैसे हम देख रहे हैं, ये क्या है, फ्लैट होता है, फ्लैट चपटे आकार का है, ऐसे ही लिवर फ्लूक है, ये कैसा दिखाई दे रहा है, तो पत्ती के समान इसकी संरचना दिखाई दे रही है, और इसमें क्या है, डोर्सल और वेंट्रल दो सरफेस देखने को मिलेंगी, ठीक है, अभी पढ़ेंगे आगे इनके बारे में। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितना कैसा है, तो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम यहाँ से क्या होता है, डेवलप होना शुरू हो जाता है। अभी तक जितने भी लास्ट क्या पढ़े हमने, जितने भी फाइलम पढ़े उन सब में क्या देखा, तो वहां पे क्या था बेसिकली, अगर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ज्यादातर क्या था, सेलुलर था, जैसे पोरीफेरा में बात कर लें, उसके बाद सिलेंट्रेटा में बात कर लें, मोस्टली क्या था, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा था। अब यहाँ से फाइलम प्लेटिहेलमिंथी से क्या होगा, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम डेवलप होना चालू हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, इनके लोकोमोशन की बात करें, ये इनका लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है, ये कहें कि ये कैसे एक जगह से दूसरे जगह मूव करेंगे। अच्छा, लोकोमोशन की बात कर रहे हैं तो अभी हमने देखा कि ये क्या है, ज्यादातर पैरासाइट है, और पैरासाइट में भी क्या है, ज्यादातर इंडो पैरासाइट है, तो इनमें क्या है, लोकोमोशन के लिए कोई भी ऑर्गन जनरली प्रेजेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये किसी भी होस्ट की बॉडी में रह रहे हैं, तो वो बॉडी में जहाँ पे प्रेजेंट है वहीं पे मूव करते हैं, वहीं से क्या होता है, अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो इनको मूव करने की बेसिकली बहुत नीड है नहीं, क्यों, क्योंकि ये इंडो पैरासाइट है और शरीर के अंदर ही रह रहे हैं, तो शरीर से कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो फिर भी देख लेते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर अब्सेंट बट एडेसिव ऑर्गन, इनमें क्या है, देखिए लोकोमोटरी ऑर्गन जैसा कि मैंने बताया कि बॉडी के अंदर ही रह रहे हैं, तो इनको लोकोमोशन की नीड है नहीं, बेसिकली ये होस्ट की बॉडी में है, जिस होस्ट की बॉडी में, मान लीजिए
ह्यूमन है, ह्यूमन की बॉडी में है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसे कि ये मान लीजिए ये पैरासाइट है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में है अगर, तो क्या करेगा वो वहीं से न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, उसको जो चाहिए पोषक तत्व तो वो जो होस्ट है ह्यूमन है उसकी बॉडी से ले रहा है, तो उसको लोकोमोशन करने की या गमन करने की आवश्यकता है नहीं बहुत ज्यादा। बट ये प्रेजेंट है तो कुछ ना कुछ ऑर्गन्स ऐसे होंगे जो इनको क्या करेंगे, एक जगह न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए भी कुछ ऑर्गन्स ऐसे चाहिए जो चाहिए होने चाहिए ना। तो देखिए लोकोमोटिव ऑर्गन्स आर अब्सेंट बट एडेसिव ऑर्गन्स, अच्छा इससे पहले वाला जो हम टीनोफोरा पढ़ रहे थे वहां पे ये वर्ड आया था एडेसिव, एडेसिव का क्या कहाँ पे आया था ये बताइएगा आप लोग कमेंट में। एडेसिव ऑर्गन्स क्या थे, अगर हम टीनोफोरा की बात करें तो वहां पे क्या थी, कोलोब्लास्ट सेल प्रेजेंट थी, अगर आपको याद हो टेंटिकल्स जो प्रेजेंट थे उनके ऊपर क्या थी, कोलोब्लास्ट सेल प्रेजेंट थी, वो भी कैसी थी, स्टिकी और बेसिकली एडेसिव नेचर की थी, जो क्या कर रही थी, फूड कैप्चर करने के लिए हेल्प कर रही थी। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं फिलहाल प्लेटी हेलमिंथीज में, इनमें लोकोमोशन नहीं जनरली देखने को मिलता है, बट इनमें क्या है कुछ एडेसिव ऑर्गन्स, कुछ ऐसे स्टिकी ऑर्गन्स, चिपचिपे ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं जो क्या करती हैं, जो भी होस्ट है उसकी बॉडी से क्या करते हैं, चिपकने का काम करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, स्पाइंस हो गए, सकर हो गए और हुक्स, ये तीन टाइप के एडेसिव ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो देखिए जितने भी फ्लैट वर्म्स हैं या जितने भी प्लेटी हेलमिंथीज के एनिमल्स हैं उनमें क्या हो रहा है, लोकोमोशन तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इंडो पैरासाइट है, किसी भी बॉडी में क्या है अंदर ही निवास कर रहे हैं, तो वो लोकोमोशन की नीड है नहीं उनको। बेसिकली न्यूट्रिएंट्स जो भी उनको चाहिए, जो भी खाना पानी चाहिए, वो उसी होस्ट की बॉडी से ले रहे हैं, बट उस होस्ट की बॉडी में चिपकने के लिए या खाना लेने के लिए भी कुछ ऑर्गन्स चाहिए होते हैं, तो वो एडेसिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, और वो कौन कौन से हैं, स्पाइंस, सकर और हुक्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये एग्जाम्पल दिख रहा है, इसमें ये हुक दिख रहे हैं, ये हुक क्या करता है, बेसिकली ये जाके होस्ट की बॉडी से चिपका देता है और इसी के थ्रू क्या करता है, फूड न्यूट्रिएंट्स जो भी चाहिए ये लेता है। ठीक है, तो ये एडेसिव ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। एडेसिव ऑर्गन्स आर फाउंड इन पैरासाइट एनिमल्स, पैरासाइट एनिमल्स में सब में क्या है, ये एडेसिव ऑर्गन्स कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, चाहे उसमें स्पाइंस हो, सकर्स हो या फिर हुक्स हो। ठीक है, तो लोकोमोशन के लिए ध्यान रखेंगे, इनमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है बट एडेसिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, और ये एडेसिव ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं, होस्ट की बॉडी से इनको क्या कर रहे हैं, चिपकने का काम कर रहे हैं। एडेसिव बेसिकली चिपचिपे नेचर के हैं। ठीक है, बॉडी फॉर्म की बात करें कि इनका बॉडी फॉर्म कैसा होगा, सर वॉइस प्रॉब्लम हो रही है क्या, हेलो हेलो बताइए आप लोग, वॉइस सही है, पूछ रहे हैं कुछ लोग कि वॉइस ठीक नहीं है क्या, अभी वॉइस ठीक आ रही है मेरी, बताइए आप लोग। सीलेंट्रेटा में ये पूछ रहे हैं कि सीलेंट्रेटा में एक्सक्रीशन किस प्रोसेस से होता है, तो सीलेंट्रेटा में जो एक्सक्रीशन होता है वो बाई सिंपल डिफ्यूजन की मदद से होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं। बॉडी फॉर्म की, अच्छा इनकी बात करते हैं, प्लेटी हेलमिंथीज के बॉडी फॉर्म की बात करते हैं कि कैसा बॉडी फॉर्म दिखाई देगा। ठीक है, सॉफ्ट एंड डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेड, अभी हमने देखा कि इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, फ्लैट है, तो इनमें क्या है बेसिकली ये क्या है, सॉफ्ट पैरासाइट है, बहुत इनका मुलायम शरीर होता है। ठीक है, उसके साथ साथ इनमें क्या है, डॉर्सल और वेंट्रल दो सरफेस दिखाई देती हैं, लीफ लाइक या फिर रिबन लाइक संरचना दिखाई देती है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है फीता क्रमी, इनको एक्चुअल में बोलते हैं हिंदी में, इनको बोलते हैं फीता क्रमी। ठीक है, और इनको इनकी संरचना जैसे कि लिवर फ्लूक वगैरह हो गया, तो उनकी संरचना ऐसी है लीफ के समान दिखाई देती है, पत्ती के समान संरचना दिखाई देती है, इसलिए इसको लीफ लाइक या फिर
धागे नुमा संरचना फीते नुमा संरचना होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, रिबन लाइक एनिमल्स भी बोला जाता है। ठीक है, बॉडी फॉर्म्स की बात करें, क्या होता है, सॉफ्ट और डॉर्सल और वेंट्रल दो सरफेस में दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, इनमें जो जर्म लेयर है उसकी बात करते हैं कि कौन कौन सी जर्म लेयर प्रेजेंट है। उसके लिए जर्म लेयर की बात करें तो देखिए, अभी तक फिलहाल हम जो एनिमल्स में पढ़ रहे थे उनमें क्या थी, डिप्लोब्लास्टिक थी। स्पोरीफेरा से लेके फिलहाल टीनोफोरा तक हम क्या पढ़ रहे थे, जो जर्म लेयर थी उसका जो डेवलपमेंट था वो क्या था, डिप्लोब्लास्टिक था। यहां से क्या होती है, जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर की स्टार्ट हो जाती है। इनमें जो जर्म लेयर प्रेजेंट है वो कैसी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, यही से स्टार्ट होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जाता है कि इनवर्टिब्रेट में किस फाइलम में सबसे पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक सेल्स या ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर देखने को मिली, तो वो है बेसिकली कौन से, फ्लैट वर्म्स। ठीक है, इक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तीन लेयर में प्रेजेंट है, कौन कौन सी, इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। ठीक है, ये तीन लेयर में हो गई, इंडोडर्म इनर लेयर, मीजोडर्म जो मिडिल लेयर होती है उसको बोलते हैं, और इक्टोडर्म जो सबसे अपर लेयर होती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बॉडी प्लान, इनमें किस तरह का बॉडी प्लान प्रेजेंट है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, माउथ प्रेजेंट बट एनस अब्सेंट। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का क्या मतलब होता है कि जो भी बॉडी प्लान है वहां पे क्या होगा, सिंगल ओपनिंग होगी, सिंगल ओपनिंग होगी, वही माउथ और एनस दोनों के रूप में यूज की जाएगी, उसी को बोलते हैं बेसिकली ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ठीक है, माउथ प्रेजेंट बट एनस अब्सेंट, माउथ प्रेजेंट होगा अपर पार्ट में और वही क्या है, माउथ और एनस दोनों का काम करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं इनका करेक्टर, सेगमेंटेशन, किस तरह का सेगमेंटेशन प्रेजेंट होगा वो देखते हैं। सेगमेंटेशन की बात करें, बॉडी अनसेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड इनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, उनमें कोई सेगमेंट देखने को नहीं मिलते हैं। सेगमेंट हमने कहाँ देखा है, बेसिकली अभी आगे हम पढ़ेंगे फाइलम एनिलिडा में, वहां पे सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे बात करें कि सेगमेंटेशन प्रेजेंट है कि नहीं, तो ये क्या होती है, इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड होती है, सेगमेंटेशन अब्सेंट। सेगमेंटेशन क्या है, यहाँ पे अब्सेंट होता है। स्यूडो सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट इन क्लास सेस्टोडा, इसका एक क्लास है सेस्टोडा, वहां पे क्या है, स्यूडो सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। स्यूडो सेगमेंटेशन से क्या मतलब है कि दिखाई देता है इनका शरीर ऐसे जैसे कि उसमें सेगमेंट बने हैं, बट एक्चुअल में वो सेगमेंट होते नहीं है। ठीक है, सेगमेंटेशन में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बॉडी सिमेट्री की बात करें कि इनका बॉडी स्ट्रक्चर या बॉडी सिमेट्री कैसी होती है, तो बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, इनका जो सिमेट्री है वो कैसा है, बाइलेटरल है। ठीक है, बाइलेटरल मतलब कि आप इसको क्या है, एक एक्सिस से कट कट करोगे तो ये क्या है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, इसको हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक, सिमेट्री जैसा कि इसमें दिख रहा है कैसी है, बाइलेटरल सिमेट्री है। इस एनिमल को क्या करेंगे, अगर हम बीच से कट कर रहे हैं तो ये क्या है, इक्वल दो पार्ट में डिवाइड होगा। सिमेट्री से मतलब क्या है, बेसिकली सिमेट्री, या इसको हिंदी में बोलते हैं सममिति। इसको अगर हम कोई एनिमल है उसको किसी भी एक्सिस या किसी ऐसे प्लेन से कट करते हैं जिसमें क्या है, वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, या दो बॉडी पार्ट उसके कट के अलग हो रहे हैं, तो वो इक्वल संरचना दिखाई दे रही है, उसी को सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो इनकी जो बाइलेटरल सिमेट्री है, बेसिकली अभी जो मैंने बताया वो है बाइलेटरल सिमेट्री। तो ये इनका शरीर ऐसा होता है कि अगर हम इसको एक एक्सिस से कट करेंगे तो ये दो इक्वल पार्ट में दिखाई देगा, ये जैसा कि दिखाई दे रहा है पत्ती नुमा संरचना है ना, तो इसको अगर हम बीच से कट कर रहे हैं तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, आगे देखते हैं जर्मिनल लेयर कैसी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इनकी जो जर्म लेयर है वो कैसी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। विशाल जी पूछ रहे हैं कि ये फ्लैट वर्म्स क्यों कहलाते हैं। फ्लैट वर्म्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनका जो शरीर है वो क्या होता है, फ्लैट होता है, और
प्लेटीहेलमिंथीस का अगर रेफरेंस देखा जाए, प्लेटीहेलमिंथीस बेसिकली लिया किस भाषा से किया है, तो प्लेटीहेलमिंथीस एक ग्रीक वर्ड है। प्लेटीहेलमिंथीस के दो वर्ड अगर हम उसको कट करेंगे तो दो वर्ड में डिवाइड करेंगे, एक होता है प्लेटी और दूसरा होता है हेलमिंथीस। प्लेटी की अगर बात करें तो उसका मतलब होता है क्या, फ्लैट, इसीलिए इनको बोलते हैं। और जो हेलमिंथीस है उसका मतलब होता है वर्म्स, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, कॉमन भाषा में फ्लैट वर्म्स बोलते हैं या फीता क्रमी बोलते हैं। ठीक है विशाल जी, आपको आपका आंसर मिला। क्यों फ्लैट वर्म्स कहलाते हैं, क्योंकि इनमें क्या है, इनकी जो संरचना है बेसिकली, अगर इनके बॉडी की भी बात करें कि कैसी बॉडी है, तो फ्लैट है, क्या है, चपटी आकार की है, इसीलिए इनको फ्लैट वर्म्स बोला जाता है। ठीक है अच्छा, बात कर रहे थे इनके जर्मिनल लेयर की, किस किस तरह की इसमें जर्म लेयर प्रेजेंट है, तो कैसी है, ट्रिपुलोब्लास्टिक जर्म लेयर प्रेजेंट है, थ्री जर्मिनल लेयर, तीन जर्म लेयर होंगी, कौन सी, इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। ये क्या है, आउटर है, आउटर लेयर, मीजोडर्म मिडिल लेयर है, ठीक, और ये इंडोडर्म क्या है, ये इनर लेयर है। तो ये बेसिकली यहीं से फाइलम प्लेटीहेलमिंथीस से जो जर्मिनल लेयर है वो ट्रिपुलोब्लास्टिक होना स्टार्ट हो जाती है। इसके आगे अब हम जो एनिमल्स पढ़ेंगे उनमें फिर जर्मिनल लेयर ट्रिपुलोब्लास्टिक देखने को मिलती है। इससे पहले जितने एनिमल्स या जितने फाइलम हमने पढ़े वो क्या थे, डिप्लोब्लास्टिक थे। ठीक है तो ये हो गया इनका जर्मिनल लेयर। अच्छा जर्मिनल लेयर में बात करें कि कौन सी लेयर क्या इनके बॉडी पार्ट को बनाती है, तो देखिए अगर इनके एक्टोडर्म की बात करें, जो बाहर वाला पार्ट है, तो वो क्या बना रहा है, इनकी बॉडी कवरिंग बना रहा है। एक्टोडर्म मतलब इपिडर्मिस, बाहर वाला पार्ट। ठीक है तो बॉडी कवरिंग वाला पार्ट कौन बना रहा है, इक्टोडर्म, टिश्यू फिल्ड रीजन फ्रॉम मीजोडर्म। जो मीजोडर्म है, मिडिल लेयर है, यहाँ पे क्या है, टिश्यू ऑर्गन्स ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है उसके बाद अगर इनके डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करें तो वो किस में प्रेजेंट है, इनके इंडोडर्म प्रेजेंट होता है। इंडोडर्म बेसिकली गट, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, डाइजेस्टिव ट्रैक, ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है तो ये इनका बॉडी सेगमेंट, सॉरी जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन है, किस तरह से ये प्रेजेंट होता है, इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म में। बॉडी कवरिंग जो बनाता है वो बाहर वाली लेयर है, इक्टोडर्म। उसके बाद जो मीजोडर्म है सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है, क्यों, क्योंकि यहीं पर क्या है, टिश्यू और जितने भी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम डेवलप होते हैं इसी मीजोडर्म में होते हैं। ठीक है इंडोडर्म की बात करें तो डाइजेस्टिव ट्रैक इसमें डेवलप होता है। तो ये हो गया इनकी जर्मिनल लेयर से संबंधित। अब आगे बढ़ते हैं बॉडी स्ट्रक्चर, देखते हैं कि फ्लैट वर्म्स का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो कैसा दिखाई देता है। डिफाइन पोलैरिटी ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, इनमें क्या है, बेसिकली दो पार्ट दिखाई देंगे। क्यों, क्योंकि ये एक फीते के समान संरचना दिखाई दे रही है, दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक तो होगा एंटीरियर और दूसरा क्या है, पोस्टीरियर। हेड और टेल में पूरा बॉडी क्या है, डिवाइडेड है। सिफिलाइजेशन स्टार्ट इन दिस फाइलम, अगर इस फाइलम में बात करें यहाँ से क्या है, सिफिलाइजेशन स्टार्ट होगा। ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है वो है इनकी बॉडी वॉल। बॉडी वॉल की बात करें कैसी दिखाई देगी, इपिडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड सिनकाइटियल एंड सीलिएटेड। इनकी जो इपिडर्मिस है वो क्या है, सिंगल लेयर होगी, ठीक, सिनकाइटियल और सीलिएटेड होगी। ठीक इन पैरासाइट एनिमल्स इट कंटेन्स थिक क्यूटिकल ऑन बॉडी वॉल व्हिच इज कॉल्ड टेग्यूमेंट। इनमें क्या है, जो पैरासाइट है, पैरासाइट जो एनिमल्स हैं उनकी इपिडर्मिस में क्या है, ये क्यूटिकल की एक आउटर कवरिंग बनती है बॉडी वॉल में, या इपिडर्मिस में बाहर से क्या है, क्यूटिकल की एक लेयर बनती है जिसको क्या बोलते हैं, टेग्यूमेंट बोलते हैं। ठीक किस में देखने को मिल रही है, जो पैरासाइट एनिमल्स हैं उनमें देखने को मिल रही है। इट्स सिक्रेटेड बाई इपिडर्मिस, ये टेग्यूमेंट किसके द्वारा सिक्रेट हो रहा है, तो जो इपिडर्मिस है उसके द्वारा क्या हो रहा है, इसका सिक्रीशन हो रहा है। ठीक है कहाँ पे प्रेजेंट है, बॉडी वॉल की अपर सरफेस इपिडर्मिस से क्या हो रहा है, क्यूटिकल के एक लेयर सिक्रीट हो रही है जिससे क्या बन रहा है, टेग्यूमेंट बन रहा है। ठीक है मीजोडर्मल मस्कुलर लेयर, इसमें जो मीजोडर्म प्रेजेंट है वो कैसी है, मस्कुलर लेयर है। लॉन्गिट्यूडनस सर्कुलर एंड ऑब्लिक आर प्रेजेंट जस्ट बीनीथ ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसमें जो मस्कुलर लेयर या मीजोडर्म प्रेजेंट है वो क्या होती है, उसमें तीन लेयर बेसिकली, ये तीन तरह की सेल देखने को मिल रही हैं, लॉन्गिट्यूडनल सर्कल और ऑब्लिक आर प्रेजेंट जस्ट बीनीथ ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन का एक तरह से काम करती हैं।
टेग्यूमेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे कि टेग्यूमेंट क्या है, ये क्या है, क्यूटिकल का एक फॉर्मेशन है जो क्या, जो कौन बना रहा है, इपिडर्मिस के द्वारा बन बन रहा है, ठीक है। टेग्यूमेंट आउटर साइटोप्लाज्मिक लेयर है, बाहर से साइटोप्लाज्मिक लेयर है, ठीक है, साइटोप्लाज्म के बाहर की कवरिंग है ये बेसिकली। इट इज कंटिन्यूअस विथ द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस ऑफ सर्टेन टेग्यूमेंट सिक्रीटिंग सेल्स, ये कंटिन्यू होती है जिससे ये टेग्यूमेंट बेसिकली बन किस रहा है, तो जो इपिडर्मिस है उसी के द्वारा क्या हो रहा है, एक लेयर क्यूटिकल की एक थिक लेयर सिक्रीट हो रही है, इसीलिए ये क्या है, एक लेयर बन जा रही है। और ये बन कहाँ रही है, अपर पार्ट पे बन रही है, इपिडर्मिस में बन रही है, तो ठीक है। टेग्यूमेंट क्या है बेसिकली, याद रखना है कि ये क्या है, इपिडर्मिस के द्वारा सिक्रीट करने वाली एक ऐसी लेयर है जो क्या कर रही है, बाहर से कवर कर रही है इपिडर्मिस को। इपिडर्मिस से क्या, कौन सी लेयर बन रही है, तो टेग्यूमेंट बनती है, ठीक है। और ये बनी किस चीज की है, तो क्यूटिकल की बनी होती है, ठीक। बात करें इनमें सीलोम, किस तरह का सीलोम देखने को मिलेगा, तो इनका जो बॉडी होता है वो कैसा होता है, एसीलोमेटिक होता है, इनमें कोई सीलोम नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक। फ्लैट वर्म्स, फाइलम प्लेटिहेलमिंथीस, इनको क्यों बोला गया अभी हमने देखा, उसके और कुछ करेक्टर्स हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक, वन क्लास इज फ्री लिविंग, अभी जब हम इसका फाइलम प्लेटिहेलमिंथीस का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां पे एक क्लास आएगा टर्बिलेरिया, यहाँ पे क्या होगा, इसके जितने एनिमल्स हैं ये सारे क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट आर पैरासाइट सम कॉमन सेल्स, इनमें क्या है, ये जो टर्बिलेरिया क्लास है इसमें मोस्टली क्या है, जो एनिमल्स हैं फ्री लिविंग है, कुछ पैरासाइट भी हैं और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कॉमन सेलिज्म को शो करेंगे, ठीक है। लेयर की बात करें, कौन सी जर्मन लेयर प्रेजेंट है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। सिमेट्री की बात करें, बाइलेटरल डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेड होते हैं। एनिमल्स की बात करें, इनकी संरचना कैसी है, तो ये क्या होती है, फ्लैट होते हैं, ठीक है, फ्लैट हैं, डोर्सल और वेंट्रल दो सरफेस दिखाई देगी। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें कि इनमें कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम लैकिंग आर विथ मस्कुलर फायरिंग्स, या तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा, अब्सेंट होगा, अगर प्रेजेंट है तो वो मस्कुलर फायरिंग्स की तरह वर्क करेगा, अभी पढ़ेंगे बेसिकली डाइजेशन के बारे में आगे। ब्लाइंड सर्कुलर गट नो एनस, अभी हमने इनमें देखा कि इनका जो बॉडी प्लान है वो कैसा था, ब्लाइंड सैक टाइप का था। ब्लाइंड सैक से मतलब क्या होता है, एक ही ओपनिंग होगी और वो माउथ होता है बेसिकली, दो एनस का एनस बेसिकली अब्सेंट होगा, ठीक है। तो ये ब्लाइंड सर्कुलर गट नो एनस, सिंगल ओपनिंग सब्स एस माउथ एंड एनस, इनमें क्या है, सिंगल ओपनिंग देखने को मिलती है जो माउथ और एनस दोनों का काम करे, ठीक है। आगे बात करें, गैस एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन थ्रू द स्किन या टेग्यूमेंट, ये टेग्यूमेंट अभी हमने जस्ट देखा क्या है, क्यूटिकल की एक लेयर है जो कहाँ बन रही है, इपिडर्मिस में बन रही है। इसका वर्क क्या है, तो इसका वर्क ये है कि ये क्या कर रही है, थ्रू द स्किन एक्सक्रीशन का काम कर, सॉरी गैस एक्सचेंज का काम कर रही है, रेस्पायरेशन का काम कर रही है, ठीक है। दैट हैज ए लार्ज सरफेस एरिया, टेग्यूमेंट बनी है किस चीज की, क्यूटिकल की बनी है, इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या है, काफी बड़ा होता है, थ्रू द स्किन इसीलिए क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है, ठीक है। बॉडी सीलोम, अभी कैसा देखा हमने, इनका जो बॉडी प्लान है, सॉरी बॉडी सीलोम है, बॉडी सीलोम इज अब्सेंट, क्या है, ए सीलोमेट टाइप के एनिमल्स हैं, इनमें कोई भी सीलोम देखने को नहीं मिलता है। स्पेसेस बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स फिल्ड विथ स्पेशल मीजोडर्मल टिश्यू, इनके बीच में अगर बात करें कि ए सीलोमेट है तो क्या है, बॉडी के बीच में स्पेस होंगे, तो वो स्पेस बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स फिल्ड विथ स्पेशल मीजोडर्मल टिश्यू, जो स्पेस है वो बेसिकली इनकी जो ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर पढ़ी ना, उसमें जो मीजोडर्म है उसी के क्या है, टिश्यू बनते हैं और उन्हीं टिश्यू से वो स्पेस भरे होते हैं, ठीक। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे कि डाइजेशन किस टाइप का है, इन टर्बिलेरिया एंड ट्रेमेटोडा, इसके क्लासेस की बात करें तो ट्रेमेटोडा और टर्बिलेरिया,
द ब्रांच एंड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट। टर्बुलेरिया और ट्रेमेटोडा में क्या है, ब्रांच या फिर इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट क्यों? क्योंकि एक ही ओपनिंग है विदाउट एनस, ठीक है, केवल एक ओपनिंग है जो क्या है, माउथ और एनस दोनों का काम कर रही है। बेसिकली उसको हम कंसीडर करते हैं माउथ की तरह, एनस को कहेंगे कि एनस अब्सेंट है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट, अनडाइजेस्टेड फूड फूड पास आउट थ्रू माउथ। माउथ ही क्या कर रहा है बेसिकली, माउथ एनस और सॉरी जो एक एक ही ओपनिंग है जो क्या कर रही है, माउथ और एनस दोनों का काम करती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इनकम्प्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम। ये बात किस में कर रहे हैं, टर्बुलेरिया और ट्रेमेटोडा, लेकिन इसका एक क्लास और है सेस्टोडा। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कम्प्लीटली अब्सेंट एंड न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब डायरेक्टली थ्रू बॉडी सरफेस। जो ये केस्टोडा है ना, इसके जितने एनिमल्स हैं वो क्या हैं, वो बेसिकली ज्यादातर क्या है, इंडो पैरासाइट है। और इंडो पैरासाइट है तो उनमें क्या है, उनका जो न्यूट्रिएंट्स लेने का या जो भी पोषक तत्व लेने का जरिया है, उनको डाइजेशन की जरूरत नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, बॉडी सरफेस के थ्रू होस्ट की बॉडी से क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो ये क्लास सेस्टोडा का इंपॉर्टेंट फीचर है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। स्केलेटन सिस्टम की बात करें तो इनमें कोई भी स्केलेटन सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके बॉडी सॉफ्ट होती है, वहां पे कोई स्केलेटन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, ओनली ए सिंगल ओपनिंग विच एक्ट एज माउथ एंड एनस। केवल एक ओपनिंग देखने को मिल रही है जो माउथ और एनस दोनों का काम कर रही है। जैसे कि ये प्लानेरिया है, प्लानेरिया में अगर देखा जाए तो इसका जो फेरिंग्स है उसकी एक ही ओपनिंग होती है जैसा कि ये दिखाई दे रहा है, और ये माउथ और एनस दोनों का काम करती है। डाइजेशन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या होता है, इसी माउथ के थ्रू ही बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इनका डाइजेस्टिव सिस्टम। आगे बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर ऑस्मो रेगुलेशन की, कि इसमें कैसे एक्सक्रीशन होगा, उसका क्या प्रोसेस है। ए नेटवर्क ऑफ वाटर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एडजेसेंट ऑफ फ्लेम सेल्स आर ए प्रोटोनेफ्रीडिया। ये इनका क्या है, अभी अभी तक में फिलहाल ये इनका बेस्ट फीचर है कि इनमें जो एक्सक्रीशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, प्रोटोनेफ्रीडिया या फिर इसको बोलते हैं फ्लेम सेल्स। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज या फ्लैट वर्म्स का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो कौन सा है। याद रखेंगे फ्लैट वर्म्स का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो प्रोटोनेफ्रीडिया बोलेंगे या फिर उसी को क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल्स बोलते हैं, ठीक है। फ्लेम सेल्स को बेसिकली फ्लैट वर्म्स से रिलेट करके आप याद रख सकते हैं, फ्लैट वर्म्स उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, फ्लेम सेल्स, ठीक। व्हिच सॉरी व्हेन सीलिया बीट दे मूव वाटर इन टू द ट्यूब्यूल्स एंड आउट द बॉडी थ्रू प्रोसेस कॉल्ड नेफ्रीडियो पोर। इनमें क्या है, जब अंदर जो सीलिया प्रेजेंट है वो बीट करती हैं और वाटर क्या है, वाटर ट्यूब्यूल्स से बाहर आता है, तो जिन ट्यूब्यूल्स से बाहर आता है उनको क्या बोलते हैं, नेफ्रीडियो पोर बोलते हैं। नेफ्रीडियो पोर इसलिए बोलते हैं, इनका जो ऑर्गन है वो क्या है, प्रोटोनिफ्रीडिया है एक्सक्रीशन का, तो उसी से रिलेट करके ये भी याद रखेंगे कि जो पोर बाहर निकाल रहे हैं एक्सेस वाटर को या जो भी एक्सक्रीशन कर रहे हैं वो कौन से पोर है, नेफ्रीडियो पोर है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेशन भी यहाँ क्या होगा, अब्सेंट होगा। रेस्पायरेशन, रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स आर अब्सेंट। अगर रेस्पायरेशन की बात करें तो जो ऑर्गन सिस्टम है वो क्या है, अब्सेंट होगा। गैस एक्सचेंज हैपेंस बाय डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। अगर इनके गैस एक्सचेंज की बात करें तो किसके द्वारा हो रहा है, वो जनरल बॉडी सरफेस या बॉडी के थ्रू ही हो रहा है, ठीक है। गैस एक्सचेंज हैपेंस बाय डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। नॉन पैरासाइट फ्लैट वर्म्स रेस्पायर थ्रू बॉडी सरफेस व्हाइल पैरासाइट वर्म्स आर मोस्टली एनारोबिक। जो नॉन पैरासाइट है वो, नॉन पैरासाइट फ्लैट वर्म्स है वो रेस्पायर किसकी, रेस्पायरेशन की किसकी मदद से कर रहे हैं, तो वो बॉडी सरफेस की मदद से रेस्पायरेशन करते हैं। बट जो पैरासाइट हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, एनारोबिक होते हैं, मतलब कि वो वैसे ही क्या है, पैरासाइट है, एंडो पैरासाइट है, तो बॉडी
किसी भी होस्ट की बॉडी में अंदर है ना, तो उनको क्या है, उनको एनारोबिक कैटेगरी में रखा गया। ठीक। एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स या प्रोटो नेफ्रिडिया, ये बार बार आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में कि प्लेटी हेलमिंथीस का जो एक्सक्रीशन का ऑर्गन है वो कौन सा है, प्रोटोनेफ्रिडिया दे या फ्लेम सेल्स दे, दोनों एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। प्रोटोनेफ्रिडिया को ही क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल्स बोला जाता है। ठीक है। दैट इज हेल्प इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, जो क्या कर रहा है, एक्सक्रीशन और बॉडी बैलेंसिंग या ऑस्मो रेगुलेशन के लिए काम करता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन या एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, अमोनिया होता है। ठीक है। एक्वेटिक है, ज्यादातर एक्वेटिक की ही बात करें तो एक्वेटिक जो एनिमल्स है जितने, उनका सबका ज्यादातर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन सॉरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो अमोनिया होता है। ठीक है। तो इनका भी जो एक्सक्रीशन वाला पार्ट है इनका, जो एक्सक्रीशन वाला पार्ट है उसमें जो इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एक्सक्रीशन के लिए जो ऑर्गन प्रेजेंट है वो क्या है, प्रोटोनेफ्रिडिया, या इसी को क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल्स बोला जाता है। अगर इनके प्रोडक्ट की बात करें कि कौन सा प्रोडक्ट एक्सक्रीट कर रहे हैं, तो वो है NH3 या अमोनिया। ठीक है। यूनिक फीचर इनका, यूनिक फीचर है कि ये इनका एक्सक्रीशन किसके द्वारा हो रहा है, फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा। ठीक है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें अगर कि फ्लेम सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, तो देखिए ये एक्सक्रीटी कैनाल है, इसको अगर हम क्या करेंगे, इसकी स्लाइड कट करते हैं तो इसमें ये फ्लेम सेल्स दिखाई देती हैं, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है। उसके साथ साथ ये एक्सक्रीटरी पोर दिखाई देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रेडिया पोर बोल लेना। इसको क्या बोलते हैं बेसिकली, तो नेफ्रिडियो पोर बोला जाता है इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को। ठीक। सॉरी, एक्सक्रीटरी पोर्स को नेफ्रिडियो पोर भी बोला जाता है। रेस्पायरेटरी सिस्टम अब्सेंट है, बट रेस्पायरेशन किसके द्वारा कर रहे हैं, स्किन के द्वारा कर रहे हैं, मॉइस्ट स्किन है इनकी, और इस स्किन के द्वारा ही क्या कर रहे हैं, ये गैस एक्सचेंज का काम करते हैं। रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स की बात करें तो वो क्या है, अब्सेंट है। नर्वस सिस्टम की बात करें कि किस तरह का नर्वस सिस्टम इनमें देखने को मिलेगा, तो सबसे पहला जो फाइलम है, इसी में, फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज में सिफिलाइजेशन देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है, नर्वस सिस्टम विद ए सेरिब्रल गैंग्लियॉन या ब्रेन, यहाँ पे ब्रेन है, प्रिमिटिव टाइप का ही ब्रेन है, लेकिन सिविलाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब इसके आगे हम जो जितने भी फाइलम पढ़ेंगे उन सब में क्या होगा, नर्वस सिस्टम धीरे धीरे क्या होगा, डेवलप होता जाएगा। ठीक है। तो ये पहला क्या है, फाइलम है, अभी तक के जितने फाइलम पढ़े, फाइलम पोरीफेरा से लेके पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और फिलहाल टीनोफोरा, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, वहां तक हमने देखा था कि प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम देखने को मिल रहा था। उनमें क्या था, नर्व नेट के थ्रू क्या थे, इम्पल्सेस बॉडी में जा रहे थे। ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज में, यहाँ पे सबसे पहला फाइलम है जिसमें सिफिलाइजेशन देखने को मिल रहा है। नर्वस सिस्टम विथ ए सेरिब्रल गैंग्लियॉन, यहाँ पे ब्रेन डेवलप होना शुरू हो जाता है, एंड लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स नर्व ट्रंक। ठीक है। तो ये याद रखने वाली बात है कि ये ऐसा फाइलम है जिससे क्या है, सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है। अब बात करते हैं फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज के रिप्रोडक्शन की, इनमें किस किस टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनमें जो दो टाइप का बेसिकली रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है, एक है एसेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल। एसेक्सुअल की बात करें तो ये किसके द्वारा हो रहा है, ये बाई फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो रहा है। ज्यादातर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है वो बाई फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा। ठीक है। और दूसरा है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एनिमल्स की बात करें तो ये क्या है, हर्मोप्रोडाइट है। हर्मोप्रोडाइट का मतलब होता है मोनोसियस टाइप के एनिमल्स हैं। बेसिकली मोनोसियस से भी क्या रेफरेंस है, एक ही एनिमल्स के शरीर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होंगे, डेवलप होंगे। ठीक है। तो ये होते हैं हर्मोप्रोडाइट या मोनोसियस बोलेंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, इंटरनल होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट।
इनका जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट टाइप का होगा, बहुत सारे लार्वल स्टेज देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये हो गया इनका रिप्रोडक्शन। फ्रेगमेंटेशन इज इन प्लानेरिया, प्लानेरिया हैज हाई रीजनरेशन पावर। फ्रेगमेंटेशन के अलावा अगर एसेक्सुअल में बात करें तो प्लानेरिया में क्या है, रीजनरेशन का बहुत बहुत क्या होता है, तेजी से वो रिजनरेट करता है। अगर हम प्लानेरिया के किसी पार्ट को क्या करें, कट कर दें, तो वो क्या होगा, तुरंत क्या होगा, डेवलप होगा। फ्रेगमेंटेशन से मतलब ये होता है कि जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा, अगर ये फीमेल सॉरी पेरेंट बॉडी है, इसको अगर क्या होगा, हम फ्रेगमेंट में कट कर दिए, तो ये फ्रेगमेंट क्या करेंगे, वापस से एक तरह से इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। अगर पेरेंट बॉडी को आप क्या करें, फ्रेगमेंट में बेसिकली कहें कि पार्ट में अगर वो कट कर दें, तो उनका जो हर पार्ट होगा वो क्या करेगा, डेवलप करके एक नया इंडिविजुअल बना लेगा। इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। देखने ये कहाँ देखने को मिल रहा है, प्लानेरिया में। ठीक है, मोनोसियस की बात कर रहे हैं, मोनोसियस या हर्माप्रोडाइट। तो टेस्टिस और ओवरी क्या है, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे, जैसा कि प्लानेरिया में देखने को मिल रहा। यहाँ पे ओवरी और टेस्टिस दोनों क्या है, एक ही इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, प्लेटिहेलमिंथीस रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं कि कैसा रिप्रोडक्शन और मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वो कैसे डेवलप होगा। मोस्टली मोनोसियस विथ हाईली इलाबोरेटेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है मोस्टली, अभी जैसे हमने देखा कि क्या है, मोनोसियस टाइप के हैं। मोनोसियस से मतलब कि एक ही इंडिविजुअल में मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो डेवलप होंगे। ठीक है, विथ हाईली इलाबोरेटेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल दैट मैनी इन्वॉल्व सेवरल लार्वल स्टेज। इनका जो डेवलपमेंट है वो क्या है, इनडायरेक्ट टाइप का है, मतलब कि बहुत सारी लार्वल स्टेज देखने को मिलती हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, क्यों, क्योंकि एक ही बॉडी में, एक ही इंडिविजुअल में क्या है, मेल और फीमेल पार्ट जो सॉरी मेल और जो फीमेल बॉडी पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो एक ही क्या, एक ही इंडिविजुअल में देखने को मिल रहा है। तो फर्टिलाइजेशन तो जो होगा वो क्या होगा, क्रॉस टाइप का होगा। क्रॉस टाइप का फर्टिलाइजेशन ऐसा होता है, मतलब कि अगर मान लीजिए एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों टेस्टिस और ओवरी दोनों प्रेजेंट है, तो जरूरी नहीं है ना कि एक टाइम पे दोनों क्या हो, स्पर्म का या ओवम का फॉर्मेशन करें। अगर दो इंडिविजुअल अलग अलग हैं, एक से क्या हो रहा है मेल गैमिट और दूसरे से फीमेल गैमिट आ रहा है, तो वो फिर फ्यूज करेंगे, उसी को हम बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादातर क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही देखने को मिलता है। बात करें इनके मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक की कि कैसा प्रेजेंट होगा वो देख लेते हैं। वन आर मोर टेस्टिस, इनका जो टेस्टिस की नंबर है या टेस्टिस का जो संख्या है वो एक या एक से अधिक हो सकता है। वन वॉस डिफरेंसेस और सेवरल वॉस डिफरेंस या दैट लीड्स टू वॉस डिफरेंस। एक या दो से अधिक, एक या एक से अधिक क्या है, वॉस डिफरेंस सॉरी वन वॉस डिफरेंस, एक वॉस डिफरेंस है और सेवरल वॉस इफरेंसिया, बहुत सारी वॉस इफरेंसिया होंगी जो क्या करेंगी, कलेक्ट करके एक वॉस डिफरेंस का निर्माण करेंगी। ठीक है, सेमाइनल वेसिकल देखने को मिलेगा यहाँ पे। इजाकुलेटरी कैनाल विथ सराउंडिंग प्रोस्टेट ग्लैंड, इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या होता है, वेल डेवलप हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इजाकुलेटरी कैनाल है जो प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या होती है, सराउंडेड होती है। सीरस या पेनिस इक्विपाइड विथ सीरस पाउच, जो पेनिस आउटर जेनेटेलिया होता है मेल का, वो क्या होगा, एक पाउच से ढका होता है, जिसको क्या बोलते हैं, पेनिस सीट बोलते हैं। ठीक है, एंड ओपन्स इनटू ए सीरस आर्ट्रियम आर मेल ओपनिंग, ये बेसिकली मेल ओपनिंग के थ्रू क्या होगा, बाहर होगा, मेल जेनाइटल पोर के थ्रू क्या होगा, बाहर होगा। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, दूसरा पार्ट देख लेते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। वन आर मोर ओवरी, इनमें क्या है, एक या दो ओवरी प्रेजेंट होंगी। ओविडक्ट देखने को मिलेंगे। ओ टाइप विथ सराउंडिंग मेहिल्स ग्लैंड, इनमें क्या है, मेहिल्स ग्लैंड भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, विटेलाइन या योक ग्लैंड, यहाँ पे योक ग्लैंड भी देखने को मिलेंगे। सेमाइनल रिसेप्टल ये देखने को मिलेगा। यूटेरस
वेजाइना दैट ओपन इनटू सर्कस एट्रियम या फीनेल गोनोपोर, इनमें क्या है, मेल, जैसे मेल में क्या था, पेनिस के थ्रू क्या होता है, मेल जेनेटाइलिया बाहर शरीर के ओपन हो रहा है, वैसे ही फीमेल में क्या है, वेजाइना के थ्रू, ये फीमेल गोनोपोर के थ्रू क्या है, बाहर ओपन होगा, ठीक है। तो ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है। इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, एसेक्सुअल कैसा हो रहा है, बाई फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, ज्यादातर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाई फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ही हो रहा है, ठीक है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें जैसे देख सकते हैं, एक ही इंडिविजुअल में क्या है, दोनों मेल और फीमेल दोनों बॉडी पार्ट देखने को मिल रहे हैं। मेल में हमने देखा कि वो भी वेल डेवलप है, ऐसे ही फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वो भी क्या है, डेवलप टाइप का होता है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम देखने को मिलता है, जेनाइटल ओपनिंग हो गई, जेनाइटल ओपनिंग जैसे कि मेल जेनाइटल ओपनिंग पेनिस के थ्रू हो रही है, और फीमेल जेनाइटल जेनाइटल पोली सॉरी फीमेल जेनाइटल ओपनिंग किसके थ्रू हो रही है, वो वेजाइना के थ्रू हो रही है। उसके बाद हमने देखा इसमें सारे टेस्टिस, ओवरी, ये सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और वेल डेवलप होते हैं। अब बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की। देखिए फिलहाल अभी तक इनके जनरल करेक्टर्स देख लिए, इनका रिप्रोडक्शन देख लिए, किस किस टाइप का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है उसमें, ठीक है। अब बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की, प्लैटिहेलमिंथीज को कितने क्लास में डिवाइड किया गया है। तो अगर मेन रूप से देखें तो प्लैटिहेलमिंथीज को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा क्लास, फर्स्ट है वो है ट्यूबलेरिया सॉरी टर्बिलेरिया, और जो दूसरा क्लास है वो है ट्राइमेटोडा, तीसरा क्लास है वो सेस्टोडा। ये 3 क्लास में हम पूरे फाइलम प्लेटीहेलमिंथीज को डिवाइड करते हैं, ठीक है। फाइलम प्लेटीहेलमिंथीज का क्लासिफिकेशन देख रहे थे तो इसमें जो जनरल करेक्टर्स हैं सारे क्लासेस के वो भी देख लेते हैं। टर्बिलेरिया की बात करें तो इनमें जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो एपिडर्मिस होती है वो क्या होती है, बेसिकली सीलिएटेड टाइप की होती है, सीलिया प्रेजेंट होंगे, ठीक है। पाइलेथिक ग्रुप और मोस्टली क्या है, ये फ्री लिविंग होते हैं। टर्बिलेरिया के बात करें तो यहाँ पे प्लानेरिया आता है, और जैसा कि ये होता है मोस्टली क्या है, फ्री लिविंग होता है, ठीक है। दूसरा क्लास है वो है ट्राइमेटोडा, इसकी बात करें तो इसके जो एनिमल्स हैं वो क्या दिखाते हैं, वो डाइजेनेटिक फ्लूक होते हैं। इनके एनिमल्स की बात करें तो ये क्या है, बेसिकली डाइजेनेटिक फ्लूक है, हैविंग 2 स्टेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, वन सेक्सुअल इन द मेच्योर फॉर्म्स एंड द अदर एसेक्सुअल इन द लार्वल स्टेज। डाइजेनेटिक से मतलब क्या है कि डाइजेनेटिक ऐसे जीवों को बोला जाता है जो क्या कर रहे हैं, 2 स्टेज में ग्रो कर रहे हैं, जैसा कि फ्लूक्स करते हैं। इनमें 2 स्टेज मल्टीप्लीकेशन के लिए 2 स्टेज देखने को मिलेगी, एक सेक्सुअल स्टेज होगी जो मेच्योर फॉर्म को डेवलप करेगी, और दूसरी क्या होती है, लार्वल स्टेज जो एसेक्सुअल फॉर्म को डेवलप करने का काम करती है, ठीक है। उसके बाद और करेक्टर देखते हैं, सिनकाइटियल या मैनी न्यूक्लियाई विद इन ए सिंगल सेल टेगुमेंट विदाउट सीलिया। इनमें जो टेगुमेंट प्रेजेंट है, ये टेगुमेंट क्या था, तो हमने देखा था कि इपिडर्मिस क्या कर रही थी, क्यूटिकल का क्या कर रही थी, प्रोडक्शन कर रही थी या क्यूटिकल को सिक्रीट कर रही थी, जिसकी वजह से क्या एक थिक लेयर बन रही थी, जिसको हमने क्या बोला था, टेग्यूमेंट बोला था, ठीक है। तो ये जो टेग्यूमेंट है ये क्या है, इसमें जो क्लास ट्रेमेटोडा है ये इसमें क्या है, टेग्यूमेंट विदाउट सीलिया होती है, टेग्यूमेंट में कोई भी सीलिया देखने को नहीं मिलता है, जैसा कि अभी टर्बिलेरिया में देखने को मिल रहा था। इनमें जो एपिडर्मिस है वो क्या है, सीलिएटेड टाइप की है, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें, लीफ लाइक टू सिलेंड्रिकल शेप, इनका फ्लूक है ना, तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो पत्ती के समान या फिर सिलेंड्रिकल शेप में दिखाई देगा, ठीक है। ऑर्गन्स टू अटैच होस्ट इन द ओरल एंड वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, सकर। इनमें जो अटैचमेंट का ऑर्गन होता है वो क्या होता है, सकर होता है, ठीक, जिसके थ्रू क्या करते हैं, होस्ट की बॉडी से अपनी बॉडी को क्या करते हैं, चिपकाने का काम करते हैं। तो ये कौन से सकर देखने को मिलेंगे, इनके अटैचमेंट के जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है। ऑर्गन्स टू अटैच होस्ट इन द ओरल, ये ओरल एंड पे देखने को मिलते हैं, ओरल एंड मतलब बाहर जो अपर पार्ट है,
और एबोरल जो होता है वो लोअर पार्ट होता है, मतलब माउथ के जस्ट अपोजिट जो होगा उसको एबोरल इंड बोला जाता है। तो सकर कहाँ देखने को मिल रहे हैं? ओरल इंड पे एंड वेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी, वेंट्रल पार्ट पे देखने को मिलेंगे। पैरासाइट इन ऑल क्लास ऑफ वर्टिब्रेट, अगर आप इनकी क्लास ट्रेमेटोडा के एग्जाम्पल्स की बात करें, देखें कि कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये बेसिकली पैरासाइट होते हैं। जितने भी वर्टिब्रेट हैं इनमें क्या होते हैं? इंडो पैरासाइट होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा क्लास है वो है सेस्टोडा, इसके बारे में देखते हैं, इसके क्या फीचर हैं, इसके क्या करेक्टर्स हैं। सिनकाइटियल टेगुमेंट विदाउट सीलिया, यहाँ पे भी क्या है, ये जो टेगुमेंट लेयर प्रेजेंट है ये विदाउट सीलिया है, इस पे भी कोई सीलिया प्रेजेंट नहीं होंगी, ठीक है। लॉन्ग रिवेल लाइक बॉडी शेप, इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, अभी जैसे ट्रेमेटोडा में हम देख रहे थे, इनका जो बॉडी शेप है वो क्या है, लीफ लाइक पत्ती के समान संरचना है, और पत्ती के समान संरचना है उसके साथ साथ सिलेंड्रिकल शेप के भी कुछ होते हैं। पत्ती के समान संरचना है तो पत्ती में क्या होता है, डॉर्सल और वेंट्रल दो सरफेस देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें बात करें जो सेस्टोडा के एनिमल्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, लॉन्ग रिबन लाइक बॉडी शेप होता है, मतलब फीते के समान संरचना होती है ज्यादातर। बॉडी डिवाइडेड इन प्रोग्लॉटिड, इनकी जो बॉडी है वो डिवाइड होती है प्रोग्लॉटिड में। ऑर्गन ऑफ अटैच होस्ट इन द ओरल पार्ट ऑफ द बॉडी, सकर और हुक्स, इनकी जो अटैचमेंट के ऑर्गन है वो कौन कौन से हैं, वो सकर और हुक्स, ये दो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। डाइजेशन की बात करें, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें नहीं देखने को मिलता है। पैरासाइट इन डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेट्स के जितने क्लासेस हैं उन सबके डाइजेस्टिव ट्रैक में ये क्लास गैस्ट्रोडा के एनिमल्स क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं कि इसके जितने एनिमल्स हैं वो इंडो पैरासाइट होते हैं। एक बात और याद रखने वाली है कि जो ये सेस्टोडा है इनके जो इनमें क्या है, इनके जितने भी एनिमल्स हैं इनमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि देखिए सेस्टोडा है प्रेजेंट कहाँ है, वर्टिब्रेट के इंटेस्टाइन में, या इंडो पैरासाइट हम कह सकते हैं कि इंडो पैरासाइट है ज्यादातर वर्टिब्रेट्स में, ठीक है। वर्टिब्रेट में क्या है, इंडो पैरासाइट है बॉडी के अंदर ही है, और बॉडी के अंदर है जैसे कि मान लीजिए डाइजेस्टिव ट्रैक में है, स्मॉल इंटेस्टाइन में है, तो वहीं से क्या कर रहे हैं, वहीं से फूड न्यूट्रिएंट्स जो भी इनको चाहिए वो थ्रू बॉडी सरफेस ले रहे हैं, उनको मूव करने की नीड ही नहीं है। तो ये जितने भी कैस्ट्रोडा के एनिमल्स हैं इन सब में क्या है, कोई भी लोकोमोशन के ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट होगा। एडेसिव ऑर्गन्स जरूर देखने को मिलते हैं, एडेसिव ऑर्गन्स मतलब चिपचिपे या फिर स्टिकी ऑर्गन्स जो क्या करते हैं, इनकी बॉडी को होस्ट की बॉडी से अटैच करवाने का काम करते हैं, वो कौन से हैं, सकर और हुक्स, ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये हो गए फाइलम प्लेटिहेलमिन्थीस के क्लासेस के जनरल फीचर्स। इनके एग्जांपल्स की बात कर लें, टर्बिलेरिया की बात करें तो इसका एग्जांपल क्या है, प्लानेरिया, ये क्या है, फ्री लिविंग होता है, वाटर में प्रेजेंट होगा। इसमें देखिए आई और हेड, उसके बाद डॉर्सल सरफेस प्रेजेंट है, माउथ, फायरिंग्स, ओपनिंग ऑफ द फायरिंग्स, इसकी ओपनिंग की बात करें तो क्या है, सिंगल ओपनिंग देखने को मिलती है प्लानेरिया में, जो क्या कर रही है, माउथ और एनस दोनों का काम करती है, ठीक है। जेनाइटल पोर बेसिकली वेल डेवलप होते हैं, मेल और फीमेल जेनाइटल पोर देखने को मिलेंगे, और वेंट्रल सरफेस और क्या है, डॉर्सल सरफेस दो पार्ट में, मतलब चपटे आकार के हैं, तो वेंट्रल और डॉर्सल सरफेस दो देखने को मिलेगी, ठीक है। क्लास ट्रेमेटोडा में देखा हमने फ्लुक्स आते हैं, जैसे कि एग्जांपल की बात करें लिवर फ्लुक, जो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, लिवर में देखने को मिलता है बेसिकली। उसके बाद इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका संरचना कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये पत्ती के समान दिखाई दे रहा है ना, पत्ती के समान है, चपटे आकार का है, डॉर्सल और वेंट्रल दो पार्ट इसमें भी देखने को मिलेंगे। ओरल सकर देखने को मिलते हैं, जो क्या करते हैं, इनकी बॉडी को होस्ट की बॉडी से अटैच करने का काम करते हैं, एडेसिव नेचर के होते हैं ये सकर, ठीक है। उसके बाद इनमें भी क्या है, गोनोपोर और एसिटाबुलम देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक्सक्रीटरी पोर देखने को मिल रहे हैं, एक्सक्रीशन किसके थ्रू हो रहा है, फ्लेम सेल्स या प्रोटो नेफ्रिडिया के थ्रू, ठीक। क्लास सेस्टोडा की बात करें, इसमें जो एग्जाम्पल है वो क्या है, टाइप वर्म है, इनकी जो संरचना है वो कैसे, फीते नुमा है, धागे नुमा संरचना है, जैसा कि दिख रहा इस पे जो इनका जो पार्ट होता है, सॉरी जो इनका अटैचमेंट का पार्ट होता है, स्कोलेक्स या फिर हुक्स और
सकर प्रेजेंट होते हैं जो होस्ट बॉडी को क्या करते हैं, इनकी बॉडी से अटैच करवाने का काम करते हैं। नेक, उसके बाद मैच्योर, इनमें भी बेसिकली वेल डेवलप क्या है, सारे ऑर्गन ऑर्गन देखने को मिल रहे हैं। ज्यादातर रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर बात करें तो मेल और फीमेल दोनों पार्ट क्या है, वेल डेवलप होते हैं। तो ये हो गए इनके एग्जाम्पल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्लेटीहेलमिंथीस की, या प्लेटीहेलमिंथीस को एक वर्ड और बोला था हमने, बोला था इनको टैपवर्म्स। टैपवर्म्स क्यों बोला था, क्योंकि इनकी जो संरचना है, इनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कैसा था, वो फीते के समान था, चपटा हुआ था, इसीलिए इनको बोलते हैं टैपवर्म्स। ठीक है, बात करें फाइलम प्लेटीहेलमिंथीस के क्लासिफिकेशन की कि कितने क्लास में बांटा गया है, तो फाइलम क्लासिफिकेशन को अगर जनरली देखा जाए तो 4 क्लास में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं, तो देखिए क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम, फाइलम प्लेटीहेलमिंथीस क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। कितने क्लास में बांटा गया है इसको, 4 क्लासेस। वो 4 क्लासेस हैं कौन कौन सी, टर्बुलेरिया हो गई पहला, उसके बाद दूसरा है सिस्टोडा, तीसरा है मोनोजीनिया और चौथा है ट्रेमेटोडा। ये क्या है, 4 क्लास में बांटा गया है प्लेटीहेलमिंथीस को। बट इसमें जो ये मोनोजीनिया वाला ये क्लास है, इसको क्या किया गया है, इसको हटा दिया गया है, या कहें कि इसमें क्या है, अब एनिमल्स इसके एनिमल्स को बाकी क्लास में ही डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्लास से, जो कि है क्लास टर्बुलेरिया। इसी के जनरल करेक्टर देखेंगे सबसे पहले हम, क्लास टर्बुलेरिया में कौन से एनिमल्स आएंगे, उनके क्या करेक्टर हैं, क्या स्पेशल फीचर हैं, वो देखते हैं। ठीक है, देखिए जो क्लास टर्बुलेरिया के एनिमल्स हैं वो क्या है, मोस्टली फ्री लिविंग है। अगर इनके हैबिटेट की बात करें कि ये कहाँ रहेंगे, कैसे होंगे, कैसी इनकी क्या संरचना होगी, तो उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इनके लिविंग पैटर्न की बात करें तो ये कैसे हैं, फ्री लिविंग टाइप के हैं, मतलब कि फ्री हैं, मूव करेंगे। प्रेजेंट कहाँ होंगे, बेंथिंग बेंथिंग आर प्लैंकटोनिक इन मैराइन हैबिटेट। कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, मैराइन हैबिटेट होगा, ज्यादातर क्या है, एक्वेटिक है, एक्वेटिक में भी कहाँ प्रेजेंट होंगे, मैराइन में। ठीक है, खारे पानी में, समुद्र में प्रेजेंट होंगे। सम इन फ्रेश वाटर एंड मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, कुछ क्या है, कुछ फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होंगे, और उसके साथ साथ मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल प्लेसेस, जैसे कि ऐसी जगह जहाँ पे क्या होगा, मॉइस्ट होगा, वहां पे भी देखने को मिलेंगे। कुछ फ्रेश वाटर होंगे, फ्रेश वाटर में नदियां, तालाब, झीलें, ऐसी जगह भी प्रेजेंट होंगी। जैसे कि फ्रेश वाटर की अगर बात करें तो डुगेसिया, या इसी को क्या बोला जाता है, प्लानेरिया भी बोला जाता है। ये क्या है, फ्रेश वाटर टैप वर्म है। ठीक है, क्लास टर्बुलेरिया का एनिमल है। ठीक है, सेलुलर इपिडर्मिस मल्टी मल्टीसिलिएटेड स्पेशली द वेंट्रल सरफेस। इनकी जो इपिडर्मिस है, अच्छा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, जब करेक्टर्स पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने देखा था कि इनकी इपिडर्मिस से क्या हो रहा थे, वहां से क्यूटिकल की एक लेयर बन रही थी, जिसको हमने क्या बोला था, बेसिकली वो कैसी थी, अगर उसकी संरचना की बात करें तो उसमें क्या थे, सीलिया प्रेजेंट थे। यहाँ पे वो लेयर देखने को मिलती है, मल्टीसिलिएटेड होगी इनकी इपिडर्मिस। ठीक है, स्पेशली द वेंट्रल सरफेस, स्पेशली जो इनके वेंट्रल सरफेस होगी वो क्या है, सिलिएटेड होगी। ठीक है, सीक्रेट म्यूकस फ्रॉम रेबिडेट्स, ये सेल्स प्रेजेंट होंगी। ये कहाँ, ये रेबिडेट सेल्स से क्या होगा, म्यूकस देखने को मिलेगा, म्यूकस सिक्रीट होगा। ठीक है, लोकोमोशन बाय लूपिंग इन्वॉल्विंग पीडल वेव्स रिजल्टिंग फॉर सर्कुलर आउटर एंड लॉन्गिट्यूडनल इनर मसल्स आर मसल्स एज वेल एज इपिडर्मल सीलिया एंड स्पेशली ड्यूगो ग्लैंड्स। अगर इनके लोकोमोशन की बात करें तो इनका बॉडी देखिए कैसा है, ये तो फ्री लिविंग है, कैसे हैं, मैराइन है, बहुत ज्यादा वाटर में प्रेजेंट होंगे, ज्यादातर क्या है, एक्वाटिक है। ठीक है, तो इनका जो लोकोमोशन है वो क्या होगा, बाई लूपिंग होगा, बॉडी को क्या करेंगे, आगे पीछे आगे पीछे, इनकी मसल्स के थ्रू ये अपनी बॉडी को पीडल वेव्स में क्या कन्वर्ट करके बेसिकली मूव कराएंगे पानी में। ठीक है, तो ये हो गए इनके जनरल करेक्टर्स। अगर इनके और कॉमन करेक्टर्स की बात करें तो देखिए क्लास टर्बुलेरिया की अगर बात करें, कॉमनली इनको क्या बोला जाता है, इडीवॉर्म्स बोला जाता है। इडीवॉर्म क्यों बोला जाता है, इडी का मतलब होता है भंवर, चक्कर जैसा। इडी ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये अपनी बॉडी को क्या कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं बेसिकली। अभी हम इनके करेक्टर्स में देखेंगे ये फूड को क्या करेंगे, जो इनका फूड होगा उसको क्या करेंगे, ये रोल करके अपनी बॉडी में बीच में दबा लेते हैं, उसके बाद उसको खाते हैं।
तो इसीलिए इनको कॉमनली क्या बोला जाता है, ईडीवॉर्म बोला जाता है। ठीक है, दीज आर मोस्टली फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसा कि अभी देखा ज्यादातर क्या है, फ्री लिविंग है, टेरेस्ट्रियल है, फ्रेश और मैराइन वाटर हैबिटेट में प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा सम आर एक्टोपैरासाइट, इनमें से कुछ क्या है एक्टोपैरासाइट भी होंगे। ठीक है, द बॉडी इज डार्सोवेंट्रली फ्लैंटेड, इनकी बॉडी कैसी है, डार्सल और वेंट्रल दो सरफेस में डिवाइड होती है और फ्लैट होती है। ठीक है, बॉडी वॉल कंटेन्स सीलिया विच हेल्प इन लोकोमोशन, इनकी बॉडी वॉल या इपिडर्मिस में क्या है, सीलिया देखने को मिलती है, सीलिया की मदद से क्या हो रहा है, ये लोकोमोशन करते हैं। ठीक है, फ्री लिविंग है इसलिए इनको क्या है, लोकोमोशन की नीड है। करेक्टर से हम जब पढ़ रहे थे फाइलम प्लेटिहेलमिंथीज की, तो वहां पे हमने देखा था कि बहुत ज्यादा जो बेसिकली इंडो पैरासाइट है, अभी आगे क्लास में पढ़ेंगे, तो जो इंडो पैरासाइट है उनमें हमने देखा था कोई भी लोकोमोशन देखने को नहीं मिल रहा था, उनपे क्या था, कुछ एडेसिव ग्लैंड्स ऐसे म्यूकस को सिक्रिएट कर रही थी और कुछ एडेसिव ऑर्गन्स देखने को मिल रहे थे, जैसे कि होक्स हो गया, सकर हो गए, तो उसकी मदद से वो क्या कर रहे थे, जो इंडो पैरासाइट थे वो होस्ट की बॉडी से चिपक के उनसे क्या कर रहे थे, अपने आप को एडजस्ट कर रहे थे या अपने आप को जोड़ रहे थे। इसमें क्या है, ये बेसिकली फ्री लिविंग है इसलिए इनमें क्या है, लोकोमोशन के लिए ऑर्गन प्रेजेंट है, और वो कौन से हैं, सीलिया है। ठीक है, इपिडर्मिस आर बॉडी वॉल कंटेन्स म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स एंड रेबडेट्स, ये सेल्स प्रेजेंट होंगी, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पे प्रेजेंट है, इनकी इपिडर्मिस में। ठीक है, माउथ इज वेंट्रली एंड डिस्टल फ्रॉम हेड, माउथ इनका कैसा होता है, वेंट्रल सरफेस पे होगा और हेड के वो बॉडी के ऊपर होगा। ठीक है, हुक्स एंड सकर्स आर अब्सेंट, यहाँ पे हुक्स और सकर्स अब्सेंट होंगे। ठीक है, अभी आगे के जो क्लासेस हैं इसके, क्लास टर्बिलेरिया के अलावा बात करेंगे, तो वहां पे हुक्स और सकर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो क्या है, इंडो पैरासाइट होंगे, और इंडो पैरासाइट में ये हुक्स और सकर क्या करते हैं, जो भी होस्ट है उसकी बॉडी से उस ऑर्गेनिज्म को अटैच करवाने का काम करते हैं। डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट टाइप का है, सॉरी डेवलपमेंट डायरेक्ट टाइप का है, यहाँ पे लार्वा अब्सेंट होगा। इनडायरेक्ट में क्या होता है, लार्वा प्रेजेंट होता है, लार्वल स्टेज बनती है, बट अगर डायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट है तो वो क्या होगा, वहां पे लार्वल स्टेज नहीं देखने को मिलेगी। जी रीजनरेशन कैपेसिटी इज हाई, इनकी जो रीजनरेशन की पावर होती है वो क्या होती है, बहुत हाई होती है। ठीक है, जैसा कि हमने करेक्टर्स में देखा था, प्लानेरिया एग्जाम्पल्स देखा था, वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा था, एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन। उसमें अगर हम प्लानेरिया को क्या करें, फ्रेगमेंट में अगर काट दें, तो उसके जो कटे हुए फ्रेगमेंट थे वो क्या कर रहे थे, वो अपने आप क्या ग्रो करके एक नया इंडिविजुअल बना ले रहे थे, ये प्लानेरिया में देखने को मिल रहा था। रीजनरेशन की बात करें कि अगर प्लानेरिया का कोई पार्ट, उसकी बॉडी का कोई पार्ट क्या है, कट के अलग हुआ पेरेंट बॉडी से, तो क्या करेगा, वो तुरंत रीजनरेट करके उस पार्ट को डेवलप कर देता है, ये होता है रीजनरेशन। तो क्लास टर्बुलेरिया में रीजनरेशन पावर काफी देखने को मिलती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें, डुगेसिया या इसी को क्या बोलते हैं, प्लानेरिया, प्रिमिटिव हेलमेंट, प्रिमिटिव एल सॉरी प्रिमिटिव हेलमेंट एक्सीलेंट रीजनरेशन, इसमें रीजनरेशन की पावर बहुत हाई होती है प्लानेरिया में। ठीक है, फ्री लिविंग होता है एंड कैनाबिलिज्म इज फाउंड, इस ये कैनाबिलिज्म नया वर्ड आया है, इसका क्या मतलब होता है, तो कैनाबिलिज्म से मतलब है, देखिए फ्री लिविंग है, वाटर में प्रेजेंट है, इसकी क्या है, कैनाबिलिज्म से मतलब क्या है एक्चुअल में, तो कैनाबिलिज्म वो एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी ही जाति के एनिमल्स को या अपने ही ग्रुप के एनिमल्स को क्या करते हैं, अपने फूड के रूप में खा लेते हैं, उनको कैनाबिलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्लानेरिया ऐसा ही है, इसको अगर बाहर से फूड नहीं मिलेगा तो ये क्या करेगा, जो उसके आसपास उसकी ही जाति के एनिमल्स हैं उनको क्या करेगा, अपने फूड के लिए खा लेगा। ठीक है, फूड के रूप में अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, तो ये होता है कैनाबिलिज्म। मीजोस्टोमा की बात करें, दूसरा एग्जाम्पल, फाउंड इन फ्रेश वाटर, ये कैसा है, फ्रेश वाटर हैबिटेट में प्रेजेंट होगा। उसके बाद माइक्रोस्टोटम एक एग्जाम्पल है, बिग माउथेड फाउंड इन फ्रेश एंड मैराइन वाटर, इसकी हैबिटेट की बात करें माइक्रोस्टोमम की, तो ये फ्रेश और मैराइन दोनों जगह प्रेजेंट होगा। माइक्रोस्टोमम इनिमी ऑफ हाइड्रा, अगर इसकी इसके भोजन की बात करें तो ये क्या होता है, इसका फेवरेट फूड होता है, जैसे लोगों का फेवरेट फूड होता है ना, तो माइक्रोस्टोमम का भी फेवरेट फूड है हाइड्रा, हाइड्रा को जहां भी पाएगा ये खा जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, दुश्मन बोला जाता है हाइड्रा को। ठीक है, इनिमी ऑफ हाइड्रा बोला जाता है,
क्यों? क्योंकि ये हाइड्रा को इसका फेवरेट फूड है, वो जहां भी देखेगा उसको खाने का प्रयास करेगा। तो ये बोला जाता है एनिमी ऑफ हाइड्रा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कई बार कि एनिमी ऑफ हाइड्रा कौन सा है, या फिर नाम दे दे के पूछेगा इनमें से कौन सा है जिसको एनिमी ऑफ हाइड्रा बोला जाता है, तो कौन सा है? माइक्रोस्ट्रोमम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है वो है एच थाइपोगा। इसको क्या बोलते हैं? पैरासाइट ऑन मैराइन फिशेस। ये क्या है? मैराइन जितनी फिशेस हैं उनमें क्या होता है, ये पैरासाइट के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, ये है देखिए प्लानेरिया। ये क्या है? फ्रेश वाटर है। इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो कैसा देखने को मिलता है? ये पानी में प्रेजेंट होगा, और ये कैसा एक स्ट्रक्चर इसका ऐसा दिखाई देता है जैसे कि लीफ हो, कोई पत्ती के समान इसकी संरचना दिखाई देती है। इसमें क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री भी प्रेजेंट होती है। इसको अगर हम बीच से कट करेंगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये है क्या, डुगेसिया, या इसी को बोलते हैं प्लानेरिया। आगे जो टर्बिलेरिया के एग्जाम्पल्स हैं वो भी देखते हैं। गुंडा, ये एक एग्जाम्पल है टर्बिलेरिया का। कहाँ पे प्रेजेंट है? फाउंड इन मैराइन वाटर। मैराइन वाटर में, खारे पानी में प्रेजेंट होगा। कॉनवुलाटा, फाउंड इन मैराइन वाटर। ये भी क्या है? मैराइन वाटर में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है थाइसेनो जून। ये भी कहाँ पे प्रेजेंट है? ये भी मैराइन वाटर में प्रेजेंट है। ये बेसिकली तीनों स्पीसीज कहाँ पे देखने को मिल रही है? तो तीनों स्पीसीज मैराइन वाटर में देखने को मिल रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है बाइपैलियम। ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? हेमेरिड वर्म्स, या ये क्या है, बेसिकली टेरेस्ट्रियल वर्म्स देखने को मिलता है। इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये है बाइपैलियम। कैसा देखने को मिल रहा है, देखिए स्ट्रक्चर इसका दिख रहा है। ठीक है, क्लास ट्रेमेटोडा। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। दूसरा जो क्लास है वो है क्लास ट्रेमेटोडा। इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं और इसके करेक्टर्स की बात करते हैं। इनको जनरली क्या बोला जाता है? लीवर फ्लूक या फिर ब्लड फ्लूक बोला जाता है। लंग फ्लूक, लीवर फ्लूक। फ्लूक से मतलब होता है पत्ती के जैसी संरचना। ये इनकी क्या है, पत्ती की जैसी संरचना दिखाई देती है, इसीलिए इनको फ्लूक बोला जाता है। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स। ये कैसा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं? पैरासाइट लिविंग इन होस्ट एंड हार्म्स द होस्ट। ये क्या है, पैरासाइट होते हैं किसी भी बॉडी की, किसी भी होस्ट की बॉडी में रहेंगे और उसको हार्म पहुंचाते हैं। ठीक है, बॉडी कैसी होगी? सॉफ्ट होगी और फ्लैटेड होगी। ओरल एंड वेंट्रल सकर्स विथ नो हुक्स। इनमें क्या है, जो अटैचमेंट का तो जो एडेसिव ऑर्गन्स हैं वो कौन से हैं? सकर्स हैं। काज सिस्टोसोमैसिस, ये अभी आगे पढ़ेंगे। इनकी वजह से क्या हो रहा है, सिस्टोसोमैसिस नाम के एक ह्यूमंस में बीमारी होती है। ट्रेमिटोडा की बात करें, ऑल आर पैरासाइट फ्रॉम मोस्टली इंडो पैरासाइट एंड रिमेनिंग इक्टोपैरासाइट। इनका लिविंग जो पैटर्न है या लिविंग हैबिटेट है वो क्या है, पैरासाइट है। मोस्टली क्या होते हैं, इंडो पैरासाइट। इंडो पैरासाइट मतलब किसी भी जीव की बॉडी के अंदर ही लिव करते हैं। ठीक है, और बेसिकली ज्यादातर अगर एग्जाम्पल्स की बात करें कहाँ पे एंडो पैरासाइट होते हैं, तो जितने वर्टिब्रेट होते हैं उनमें ही एंडो पैरासाइट होते हैं। इनमें से क्या है, कुछ एक्टो पैरासाइट भी होते हैं। ठीक, बॉडी लीफ लाइक सो कॉल्ड फ्लिक्स वर्म। ये क्या है, इनकी बॉडी कैसी है, संरचना पत्ती के समान दिखाई देती है, इसीलिए इनको फ्लिक्स वर्म बोला जाता है। टेग्यूमेंट थिक बट विदाउट सीलिया एंड रेहबिटिस रैबिडिट्स सेल्स। यहाँ पे क्या है, अब्सेंट होंगी और सीलिया भी अब्सेंट होगी। इनके बॉडी में टेग्यूमेंट की एक लेयर बनेगी जो क्या होती है, थिक होती है। ठीक है, हुक्स एंड सकर्स आर यूजली प्रेजेंट। इनमें जो एडेसिव ऑर्गन्स हैं हुक और सकर वो देखने को मिलेंगे। ये काम क्या करते हैं हुक और सकर, तो ये होस्ट की बॉडी से क्या करते हैं, इसको अटैच करवाने का काम करते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल विथ नो ब्रांच। इनकी एलिमेंट्री कैनाल में कोई सॉरी विथ टू ब्रांच। इनकी एलिमेंट्री कैनाल दो ब्रांच में डिवाइड होगी। डेवलपमेंट डायरेक्ट इन इन एक्टोपैरासाइट एंड इनडायरेक्ट इन इंडोपैरासाइट। ये दोनों टाइप के हैं ना, इंडो और एक्टोपैरासाइट। तो जो इनका डेवलपमेंट है वो एक्टोपैरासाइट में क्या है, डायरेक्ट टाइप का है, मतलब वहाँ कोई लार्वल स्टेज नहीं बनेगी। और जो इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट है वो इंडोपैरासाइट में देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें, सिस्टोसोमा, ये इसका एग्जाम्पल है कॉमनली कॉल्ड ब्लड फ्लूक्स।
इसको क्या बोलते हैं, कॉमनली ब्लड फ्लू बोला जाता है, ठीक है। इसकी लाइफ की बात करें तो कैसी होती है, डाइजेनेटिक टाइप की इसकी लाइफ साइकिल होती है। डाइजेनेटिक से मतलब क्या होता है कि ये क्या है, दो होस्ट में अपना जीवन यापन करता है। एक होस्ट है ह्यूमन और दूसरा क्या है, स्नेल। स्नेल बेसिकली फाइलम मोलस्का का सदस्य है। मोलस्कन्स में और ह्यूमन्स में ये क्या होता है, डिपेंड होता है। ये इसके दो होस्ट होते हैं, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि सिस्टोसोमा की लाइफ साइकिल कैसी है, डाइजेनेटिक है मोनोजेनेटिक है, ये पूछा जाएगा। तो कैसा है, डाइजेनेटिक है। होस्ट की बात करें कौन कौन से हैं, ह्यूमन एंड स्नेल, ठीक है। फीमेल रिड्यूस एंड लिव इन गोनोफोरिक कैनाल ऑफ मेल। इसकी जो फीमेल होती है सिस्टोसोम की, वो क्या होती है, मेल के ही बॉडी में उनका जो गोनोपोरिक रीजन है या गोनोपोरिक कैनाल है वहां पे देखने को मिलती है। बेसिकली साइज में भी क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। दिस पैरासाइट कॉज सिस्टोसोमैसिस स्नेल फीवर, या इसको क्या बोलते हैं, बिलहैरजिया बोलते हैं। ये ह्यूमंस में जनरली नॉर्मल देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये बीमारी होती है सिस्टोसोमैसिस, ठीक। आगे देखते हैं, क्लास ट्राइमेटोडा की ही बात कर रहे हैं। इंडो पैरासाइटिक फ्लुक्स है। इनमें देखिए, इनसाइड होस्ट, ये होस्ट की बॉडी के अंदर होते हैं। वाइड फ्लैट एंड फ्लैट विथ ओवल एंड इलोंगेटेड बॉडीज। इनकी बॉडी कैसी होती है, तो लीफ लाइक संरचना देखने को मिल रही है, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है। ये कैसी है, पत्ती नुमा संरचना है और ज्यादातर क्या है, ओवल शेप की होती है, ठीक है। हैव टू और थ्री होस्ट, जैसा कि अभी हमने पीछे देखा है, क्या होते हैं, डाइजेनेटिक होते हैं। दो तो होस्ट होंगे ही होंगे एटलीस्ट, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट फ्लुक्स आर पैरासाइट ऑफ वर्टिब्रेट्स। ज्यादातर जितने एडल्ट फ्लुक्स है वो क्या होते हैं, जितने भी पैरासाइट हैं, सॉरी जितने भी वर्टिब्रेट है उन सब में क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं, ठीक है। जैसे कि फिशेस हो गई, फ्रॉक्स हो गए, टर्टल्स हो गए, डोमेस्टिक एनिमल्स, जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स और ह्यूमंस की भी बात करें तो ये सब क्या होते हैं, वर्टिब्रेटा के जितने भी वर्टिब्रेट्स जितने भी हैं, इन ये एडल्ट फ्लुक्स सब में क्या होते हैं, पैरासाइट देखने को मिलते हैं। जैसे कि बात करें फिशेस, फ्रॉग, टर्टल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स और इंक्लूडिंग ह्यूमंस, इन सब में क्या होता है, ये पैरासाइट होते हैं, ठीक है। बॉडी पार्ट्स आर सिमिलर टू प्लानेरियन। इनकी बॉडी पार्ट की अगर बात करें तो ज्यादातर क्या होता है, स्ट्रक्चर प्लानेरिया की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करें, फैसियोला हिपैटिका, ये भी इसका एग्जाम्पल है। कॉमनली कॉल्ड सीप लिवर फ्लूक, इसको कॉमनली क्या बोला जाता है, सीप लिवर फ्लूक बोला जाता है। और ये कहाँ पे देखने को मिलता है, तो जो सीप है, भेड़ है, उनमें ये क्या करता है, उनमें ये बीमारी करता है, ठीक है। डाइजेनेटिक पैरासाइट है, ये भी क्या है, डाइजेनेटिक पैरासाइट है। प्राइमरी होस्ट इज सीप एंड सेकेंडरी होस्ट इज गार्डन स्नेल। इनका जो प्राइमरी होस्ट है वो क्या है, सीप है, भेड़ है, और जो सेकेंडरी होस्ट है वो क्या है, गार्डन स्नेल है, ये एक मोलस्का है, ठीक है। डिसीज कॉज इन लिवर रॉट इन सीप, ये क्या करता है, भेड़ में लिवर रॉट नाम की एक बीमारी को उत्पन्न करता है, ठीक है। प्राइमरी होस्ट इन्फेक्टेड बाई मेटासर्केरिया एंड सेकेंडरी होस्ट इन्फेक्टेड बाई मीरा सीडिया, ये इनमें लार्वल स्टेज बहुत सारी देखने को मिलती है। प्राइमरी होस्ट जो इन्फेक्ट करता है वो मेटासर्केरिया लार्वा होता है, और जो सेकेंडरी होस्ट को इन्फेक्ट करता है वो कौन सा होता है, मीरासीडियम लार्वा होता है। लार्वल स्टेज की बात करें हैं कि कौन कौन सी लार्वल स्टेज में देखने को मिल रही है, तो देखिए मीरासीडियम लार्वा हो गया, स्पोरोसिस्ट बनते हैं, रेडिया लार्वा बनता है, सर्केरिया एंड मेटासर्केरिया, ये पांच टाइप के लार्वल लार्वा देखने को मिल रहे हैं कहाँ पे, फैसियोला हिपेटिका में, ठीक है। लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं, देखिए एडल्ट फैसियोला, या ये सबसे पहले कैसे देखेंगे, कैसे ये इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसका जो प्राइमरी सॉरी जो सेकेंडरी वाला होस्ट है वो है स्नेल, और वो एक मोलस्का है, ठीक। तो ये मोलस्का के थ्रू क्या होता है, ग्रो करता है। मीरासीडियम लार्वा मोलस्का को इन्फेक्ट करता है। ये मीरासीडियम लार्वा क्या होगा, दूसरा जो लार्वा है स्पोरोसिस्ट लार्वा, उस पर कन्वर्ट हो गए, फिर ये रेडिया लार्वा पे कन्वर्ट होगा, रेडिया से फिर बनेगा सर्केरिया लार्वा, सर्केरिया से फिर डेवलप होके मेटा सर्केरिया लार्वा बनता है, और ये क्या होता है, इंसिस्ट होता है, मतलब ये पैरासाइट होता है, ये पैरासिटिक होता है किसमें, लीफ वगैरह में,
लीफ में दिखाई देगा या उससे क्या होता है, चिपका रहता है पत्तियों से। और जब ये भेड़ क्या करेगी, पत्तियां वगैरह खाएगी तो उसके थ्रू ये इसके इनके इंटेस्टाइन में जाएगा, इनके पेट में जाएगा, और वहां से फिर इनके क्या करते हैं, लीवर में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जो लीवर रॉट बोला जाता है। ठीक है, तो इसका जो इन्फेक्शन इन्फेक्शियस स्टेज है वो कौन सी है, मेटासर्केरिया लार्वा सीप में। अगर बात करें कि सीप में कौन सा लार्वा इन्फेक्ट कर रहा है, तो वो है मेटासर्केरिया लार्वा। ठीक है, मेटासर्केरिया लार्वा कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो देखिए सर्केरिया लार्वा ग्रो किया, उसके बाद ये मेटासर्केरिया लार्वा क्या होता है, ये पत्तियों वगैरह में, पेड़ पौधों की पत्तियों में, घास में, ऐसी जगह जाके चिपका रहता है। जब भेड़ बकरी उसको खाएगी तो उसके थ्रू ये उनकी बॉडी में एंटर करेगा। ठीक है, तो ये फैसियोला हिपेटिका की क्या है, लाइफ साइकिल हो गई। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वो है डाइप्लोजून, डिप्लोजून बोलते हैं इसको, एक्टोपैरासाइट ऑन द गिल्स ऑफ फ्रेश वाटर फिशेस। ये क्या है, जो फ्रेश वाटर फिशेस हैं उनकी गिल्स में एक्टोपैरासाइट होता है। ठीक है, मोनोजेनेटिक ट्रेमेटोड, ये क्या है, मोनोजेनेटिक होता है, इन विच एडल्ट इंडिविजुअल्स रिमेन यूनाइटेड इन पेयर्स इन ए परमानेंट कॉपुलेशन इन द फॉर्म्स ऑफ क्रॉस। ये इनका अगर शेप की बात करें कैसे दिखाई देता है, तो एक्स शेप का या फिर एच शेप का इनका बॉडी दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, पैरागोनिसस कॉमनली कॉल्ड लंग फ्लूक, इसको क्या बोलते हैं, लंग फ्लूक बोलते हैं। ठीक है, पैरासाइट इन लंग्स ऑफ ह्यूमन पिग एंड चीता। ये पैरासाइट कहाँ पे होता है, तो ह्यूमंस के लंग्स में, उसके साथ साथ पिग जो सुअर होता है और चीता इनके लंग्स में जनरली पैरासाइट होता है। ठीक है, इंटरमीडिएट होस्ट इन इज स्नेल एंड क्रस्टिशियन, इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो स्नेल होगा और क्रस्टिशियंस होते हैं, क्रस्टिशियंस तो बहुत सारे होते हैं, उसके साथ साथ मोलस्का का ये एनिमल स्नेल ये भी क्या होता है, इसका लंग फ्लू का क्या होता है, होस्ट होता है। ठीक है, अगले एग्जाम्पल की बात करें, क्लोरोसिस सिनेसिस बोलते हैं, कॉमनली कॉल्ड ह्यूमन लिवर फ्लीक, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन भाषा में ह्यूमन लिवर फ्लूक बोलते हैं, या चाइनीज लिवर फ्लूक भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इंडो पैरासाइट एंड डाइजेनेटिक, ये भी क्या है, इंडो पैरासाइट है और डाइजेनेटिक फेज होता है, इनकी भी लाइफ साइकिल क्या होती है, डाइजेनेटिक टाइप की होती है। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, पॉलीस्टोमम, ये क्या है, इंडो पैरासाइट है, पैरासाइट इन यूरिनरी ब्लेडर ऑफ फ्रॉग, टोट्स एंड टर्टल, ये इंडो पैरासाइट है, लेकिन ये कहाँ पे देखने को मिल रहा है, पैरासाइट है यूरिनरी ब्लेडर में, फ्रॉग की जितनी स्पीसीज हैं, कछुआ और फ्रॉग, उनके क्या है, यूरिनरी ब्लेडर में ये पैरासाइट होता है। ठीक है, एंड मोनोजेनेटिक, इसकी जो लाइफ साइकिल है वो कैसी होती है, मोनोजेनेटिक होती है, एक ही होस्ट पे डिपेंड होता है। तीसरा जो क्लास है वो है क्लास सिस्टोडा, इसके करेक्टर्स देखते हैं, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, दीज आर एक्सक्लूसिवली इंडो पैरासाइट, ये क्या है, सारे के सारे इंडो पैरासाइट है। अभी तक हम देख रहे थे एक्टो पैरासाइट भी थे, टर्बिलेरिया की बात करें तो उसके जितने एनिमल्स थे क्या थे, वो बेसिकली फ्री लिविंग थे। अब बात करते हैं क्लास सिस्टोडा की, और क्लास सिस्टोडा में अगर देखें तो क्या है, यहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं वो एक्सक्लूसिवली मतलब पूर्ण रूप से इंडो पैरासाइट होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ एनिमल आर टैप लाइक सो कॉल्ड टैप वर्म, ये कैसे हैं, ज्यादातर टैप के समान दिखाई देते हैं, इसलिए इनको टैप वर्म्स बोला जाता है। बॉडी इज लॉन्ग एंड डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, इनकी बॉडी लंबी होती है, टैप मतलब एक तरह से फीते के समान संरचना होती है, लंबी होती है बॉडी, और इनमें ऐसा दिखाई देता है जैसे कि सेगमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक, तो बॉडी की बात करें, बॉडी कैसी है, लॉन्ग है और डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, बट सेगमेंट क्या होते हैं, ट्रू सेगमेंट नहीं होते हैं, फॉल्स सेगमेंटेशन देखने को मिलता है इनकी बॉडी में, लगता है ऐसे कि जैसे कि सेगमेंट बने हैं बट वो एक्चुअल में सेगमेंट नहीं होते हैं, इसलिए इनको बोलेंगे क्या है, फॉल्स सेगमेंटेड एनिमल्स हैं। दीज एनिमल्स हैव हुक्स एंड सकर, इनका जो एडेसिव ऑर्गन्स है वो हुक है और सकर है, इनके थ्रू क्या करते हैं, ये होस्ट की बॉडी को अपने आप से अटैच करते हैं। ठीक है, एंटीरियर पार्ट इज कॉल्ड
स्कोलेक्स एंड स्कोलेक्स कंटेन फोर सकर्स, इनका जो आउटर बाहर वाला पार्ट है वो क्या स्कोलेक्स कहलाता है। देखिए इनकी संरचना कैसी है, फीते के समान है, तो ये बाहर वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, स्कोलेक्स बोलते हैं। और यहीं पे क्या है, ये हुक्स और सकर देखने को मिलेंगे, यही माउथ वाला पार्ट है, माउथ वाले पार्ट को ही क्या बोलते हैं, स्कोलेक्स बोलते हैं। एंड स्कोलेक्स कंटेन फोर सकर, स्कोलेक्स में क्या है, संख्या में चार सकर देखने को मिलते हैं। ऑन द बॉडी वॉल टेगुमेंट एंड माइक्रोबिलाई आर प्रेजेंट, इनकी बॉडी वॉल में टेगुमेंट और माइक्रोबिलाई क्या होगी, प्रेजेंट होगी। ठीक है, टेगुमेंट एंड माइक्रोबिलाई प्रेजेंट ऑन बॉडी वॉल, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कम्प्लीटली अब्सेंट। इनमें ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली है, कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, अब्सेंट होता है, पूर्ण रूप से यहाँ पे अब्सेंट होगा। डाइजेस्टेड फूड टेकन बाई बॉडी सरफेस, ये क्या है, इंडो पैरासाइट है। और अगर ह्यूमंस में जैसे बात करें तो ह्यूमंस में क्या है, उनकी इंटेस्टाइन में देखते हैं, इंटेस्टाइन में ह्यूमन के डाइजेशन की बहुत सारी प्रोसेस हो चुकी होती हैं, या कहें कि डाइजेशन और फूड वाला पार्ट जो है वो उसमें सॉरी इंटेस्टाइन में ही चल रहा होता है। तो ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी सरफेस से वहीं से सीधे न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। ठीक है, तो इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम की नीड नहीं है, या डाइजेस्टिव सिस्टम अब्सेंट ही है। ठीक है, बॉडी सेगमेंट आर प्रोग्लॉटिस, इनकी जो बॉडी बॉडी सेगमेंटेशन है बेसिकली क्या है, फॉल्स सेगमेंटेशन है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्लॉटिस बोलते हैं। ठीक है, फोर पार्ट ऑफ बॉडी हैव इमेच्योर सेगमेंट, जो पहला वाला पार्ट है उस पार्ट में क्या है, इमेच्योर सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, मिडिल पार्ट हैव मेच्योर एंड पोस्टीरियर पार्ट हैव ग्रेविड प्रोग्लॉटिस। ठीक है, इनके सेगमेंट्स को क्या बोलते हैं, प्रोग्लॉटिड बोलते हैं। जो सबसे पहला वाला पार्ट है स्कोलेक्स वाला पार्ट, माउथ वाला पार्ट, उसमें क्या है, इमेच्योर पार्ट देखने को मिलेगा, मिडिल में क्या होगा, मेच्योर होगा, और लास्ट वाला पार्ट क्या होगा, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड होगा। दीज ग्रेविड ग्रेविड प्रोग्लॉटिड आर सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी वन बाय वन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एपोलाइसिस। ये क्या है, जो लास्ट वाला पार्ट है ग्रेविड प्रोलॉटिड पोस्टीरियर पार्ट है, जो वो क्या है, एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एपोलाइसिस बोलते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, स्ट्रोबलाइजेशन, ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेगमेंट फ्रॉम द बिलो टू स्कोलेक्स। अच्छा, इनका जो स्कोलेक्स वाला पार्ट है वो क्या है, अपर पार्ट है, माउथ वाला पार्ट है, वहीं पे सकर देखने को मिल रहे हैं। इनके जो बॉडी की बात करें कि सेगमेंट नए कहाँ बन रहे हैं, तो वहीं अपर पार्ट पे, माउथ वाले पार्ट पे डेवलप होंगे। ठीक है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोबलाइजेशन बोलते हैं। न्यू सेगमेंट बन रहे हैं स्कोलेक्स वाले पार्ट पे, अपर वाले पार्ट पे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड सेल्फ, इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल होगा और कैसा होगा, सेल्फ होगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट टाइप का है। लार्वल स्टेज आर प्रेजेंट, लार्वल स्टेज देखने को मिलेगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर हमने देखा कैसा है, फीते के समान है, टैप लाइक है। एग्जाम्पल्स की बात करें, टीनिया सेनी सॉरी टीनिया सेगिनाटा, ये एग्जाम्पल है, इसको क्या बोलते हैं, बीफ टैप वर्म बोला जाता है, बीफ टाइप वर्म बोला जाता है। डाइजेनेटिक होस्ट हो, ये भी क्या है, डाइजेनेटिक है, दो दो होस्ट में इसकी भी लाइफ साइकिल चलेगी। ठीक है, प्राइमरी होस्ट क्या है, ह्यूमन है प्राइमरी होस्ट, और सेकेंडरी होस्ट जो है वो है काऊ। ठीक है, ये बेसिकली किसकी वजह से होता है, तो काऊ वगैरह के कच्चे मांस खाने की वजह से होता है। उसमें क्या है, ये सेकेंडरी होस्ट है काऊ, उसका अगर वो इन्फेक्टेड है, उसका मांस ह्यूमन खाएगा तो उसको भी क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो टीनिया सोलियम, ये पोर्क टाइप वर्म बोलते हैं इसको, ये भी डाइजेनेटिक होता है। इसके जो होस्ट हैं वो क्या है, ह्यूमन प्राइमरी होस्ट है, और दूसरा जो सेकेंडरी होस्ट है वो पिग होता है, सुअर होता है। ठीक है, लार्वल स्टेज की बात करें कि इनमें कौन कौन सी लार्वल स्टेज देखने को मिलती है, तो इनकी लार्वल स्टेज अभी हमने देखा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टाइप का क्या है, डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। ओंकोस्फियर, ये लार्वा है, एग्जाकैंथ, ये लार्वा प्रेजेंट है, इनको ब्लैडर वर्म्स भी बोला जाता है, और क्रस्टिसेस, ये भी इनका लार्वल फॉर्म होता है। ठीक है, इन्फेक्शन स्टेज इज प्राइमरी होस्ट इज कॉल्ड
क्रिस्टीसेरस, ये क्या है, ये जो लार्वा है क्रिस्टीसेरस, ये क्या है, प्राइमरी होस्ट में इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। इन्फेक्शन इन्फेक्शन स्टेज इन सेकेंडरी होस्ट इज ओंकोस्फेयर, ओंकोस्फेयर जो लार्वा है ये सेकेंडरी होस्ट में या कहें कि ह्यूमन में इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। अगले एग्जाम्पल्स की बात करें, मोनोइजिया ये एग्जाम्पल है इंडो पैरासाइट ऑफ रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स एनिमल्स जैसे सीप वगैरह हैं, भेड़ बकरी, इन सब में क्या करता है, ये इंडो पैरासाइट की तरह रहता है, ठीक है। उसके बाद इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस, ये एग्जाम्पल है। हाइडेटेड वर्म, हाइपर टाइप वर्म और डॉग टाइप वर्म, इसको क्या बोलते हैं, डॉग टाइप वर्म भी बोला जाता है, ठीक है। डाइप्लेडियम, ये डॉग टाइप वर्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, हाइमेनोलेप्सिस नाना, ये स्मॉलेस्ट टाइप वर्म है। अगर हम बात करें अभी तक जहां पढ़ रहे थे, तो उनमें सब में ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट टाइप वर्म है, ठीक है। इन ह्यूमन किसकी साइज की बात करें, तो कितना है, 2 से 4.5 सेंटीमीटर होती है इसकी साइज, ठीक है। इंडो पैरासाइट ऑफ इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस, देखने को कहाँ मिल रहा है, इंडो पैरासाइट है ह्यूमंस की इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद रेलिटिना, ये है बर्ड्स, बर्ड टाइप वर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। और नेक्स्ट है वो है एम्फीलिना, ये इसके एग्जाम्पल हो गए क्लास सेस्टोडा के, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स हैं, इनके स्ट्रक्चर हैं जो अभी हमने पढ़ा। इनका जो देखिए, ये है सकर और हुक होते हैं जो एडेसिव नेचर के हैं, यही क्या करते हैं, जो होस्ट है उसकी बॉडी से इसको चिपकाने का काम करते हैं, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं होस्ट होस्ट बार बार, तो ये होस्ट क्या है, इनसे क्या तात्पर्य है, इसको भी देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ होस्ट, कितने टाइप के होस्ट होते हैं और ये कैसे क्या है ग्रो कर रहे हैं, इसके बारे में देखते हैं। ऑफ्टन हैव कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल दैट अल्टरनेट बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल स्टेजेस। ये होस्ट से मतलब क्या है, तो ये ऐसे जीव हैं जिनमें क्या है, दूसरे जीव आके अपनी लाइफ साइकिल को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, उनमें निवास करते हैं, उन्हीं को होस्ट बोलते हैं। मोस्ट रिक्वायर एट लीस्ट टू डिफरेंट काइंड ऑफ होस्ट टू कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल। ये अगर किसी एनिमल्स की बात करें, किसी पैरासाइट की बात करें, तो ज्यादातर क्या है, डाइजेनेटिक होंगे। डाइजेनेटिक में भी हम जो देखते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा फैसियोला हिपैटिका हो गया, लीवर फ्लूक हो गया, ये जितने भी फ्लूक हैं ये क्या है, डाइजेनेटिक है, ठीक। तो एटलीस्ट कितने होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, एटलीस्ट दो होस्ट तो चाहिए ही चाहिए, उसमें एक डेफिनेटिव या प्राइमरी होस्ट होगा। द होस्ट इन विच द पैरासाइट मेच्योर एंड रिप्रोड्यूस, ये ऐसा होस्ट है जहां पे जो पैरासाइट है वो क्या होता है, मेच्योर होता है, उसके साथ साथ रिप्रोड्यूस करता है, कैसे, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। जो प्राइमरी होस्ट है वहां पे जो पैरासाइट है वो कैसे रिप्रोड्यूस करके अपने आप को रिप्लिकेट करेगा बेसिकली, तो वो कैसे करता है, सेक्सुअली मेथड से करता है, ठीक है। द होस्ट इन विच एग्स आर रिलीज, ये प्राइमरी होस्ट में जो भी पैरासाइट है वो अपने एक्स को रिलीज करेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है वो है इंटरमीडिएट होस्ट, होस्ट इन विच लार्वल स्टेज डेवलप एंड अंडरगो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो इंटरमीडिएट होस्ट है यहाँ पे क्या है, लार्वल स्टेज डेवलप होंगी और यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। जो भी एनिमल्स है या जो भी ऑर्गेनिज्म है पैरासाइट बेसिकली, तो इंटरमीडिएट होस्ट की बॉडी में क्या करेगा, आएगा, यहाँ पे लार्वल स्टेज डेवलप होंगी, उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, जिसकी वजह से ये रिप्रोडक्शन हो रहा है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसकी वजह से नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या करेंगे, गेन होंगे, न्यूमरस नंबर में बढ़ेंगे, बहुत सारी संख्या में यहाँ पे क्या होगा, लार्वल फॉर्म देखने को मिलेंगे, और वही लार्वल फॉर्म फिर क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है। चाइनीज लिवर फ्लू की बात कर रहे थे हम, कॉमन पैरासाइट ऑफ ह्यूमंस इन ओरिएंट, ये क्या है, नॉर्मली ह्यूमंस में पैरासाइट होता है, लिव इन द लिव्स इन द लिवर वेयर इट ईट्स टिश्यू एंड
ब्लड, ये लिवर फ्लूक नाम ही है इसका, लिवर में रहेगा और क्या खाता है, टिश्यू और ब्लड को खाता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टेड बाई ईटिंग, ईटिंग का प्रोसेस है, किसके थ्रू ये क्या हो रहा है, फैल रहा है, कॉन्ट्रैक्टेड बाई ईटिंग अनकुक्ड कॉन्टामिनेटेड फिशेस, या ये देखिए इसके किसके द्वारा इन्फेक्शन हो रहा है। तो अगर अनकुक्ड या ऐसी फिशेस को खा रहे हैं जिनमें ऑलरेडी इन्फेक्शन है, तो उसी की मदद से जाएगा बॉडी में, बेसिकली ह्यूमंस में क्या है, लिवर में उनके निवास कर रहा है, लिवर में प्रेजेंट है, उनके टिश्यू और ब्लड को खा रहा है, और किसकी मदद से पहुंच रहा है बॉडी में, तो अनकुक्ड कंटेमिनेटेड फिश को कोई भी ह्यूमन अगर ले रहा है, तो उसके थ्रू क्या करेगा, बॉडी में जाएगा, बॉडी में फिर इन्फेक्शन कॉज करेगा, ठीक है। इसका जो इन्फेक्शियस स्टेज है उसमें क्या होता है, इनलार्ज लिवर साइन एंड सिम्टम्स, अगर इसका इन्फेक्शन है लिवर फ्लू का, तो उसके साइन क्या है, उसके साइन है कि जो लिवर का साइज है नॉर्मली, उससे क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा, जो क्या काज करेगा, लिवर फेलियर, जिसकी वजह से लिवर फेलियर, फीलिंग ऑफ फुलनेस, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, एब्डोमिनल पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, ठीक है, ज्वाइंटिस भी हो सकता है, फैटिग, वीकनेस एंड वेट लॉस जैसे क्या है, ये ऐसे फीचर हैं जो बताएंगे कि ह्यूमन में लिवर फ्लूक हो रखा है, ठीक है। अगर लिवर फ्लूक का इन्फेक्शन है तो ये उसके सिम्टम्स हैं। पहली बात तो लिवर का जो साइज है वो बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, फीलिंग ऑफ फुलनेस, बहुत सारी ऐसा लगेगा कि भरा हुआ है कुछ, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, एब्डोमिन्स में पेन होगा, या कुछ और ऐसा लगेगा कि बहुत भरा हुआ है, ठीक है, जॉइंडिस हो सकता है, वीकनेस और वेट लूज जैसी घटनाएं हो सकती हैं, ठीक है। फ्लिक्स टाइपवर्म्स की बात करें, पैरासाइट ऑफ मैन, बहुत सारे पैरासाइट बेसिकली हैं, और ये क्या करते हैं, बहुत किल भी कर सकते हैं, कॉज डिसीज इन मैनी कंट्रीज, इनकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज में क्या हो रही है, बहुत डिसीज कॉज हो रही है। सीप लिवर फ्लू की बात करें, कॉमन पैरासाइट इन एरिया वेयर पीपल रेस सीप, ये कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ऐसी जगह देखने को मिलता है जहां पे क्या है, सीप पाली जाती हैं, भेड़ बकरियां जहाँ लोग पालते हैं वहीं पे ये देखने को मिलता है। कैन आल्सो इन्फेक्ट अदर लिव स्टॉक, ये बाकी को भी इन्फेक्ट करती हैं, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, फाइसियोलिसिस, ह्यूमंस में अगर बात करें, अगर ह्यूमंस में इसका सीप फ्लू का इन्फेक्शन है तो वो क्या हो सकता है, उसके साइन क्या है, यूजुअली फर्स्ट सिम्टम्स एब्डोमिनल पेन, पहला जो सिम्टम होगा तो यही होगा कि एब्डोमिन्स में पेन होगा, लॉस ऑफ एपिटिक, नेउसा, डायरिया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगे, चेस्ट पेन, एनीमिया और ज्वाइंटिस, ये इसके क्या है, सिम्टम्स है, ठीक है। अगर एनिमल्स में है तो उनके क्या सिम्टम्स है, देयर कैन बी फोर डिफरेंट टाइप, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, सब क्यूट एंड क्रोनिक, दीज आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इंजेस्टेड मेटासर्केरिया, ये देखिए इन्फेक्शन किसके थ्रू हो रहा है, लिवर फ्लू का, तो लिवर फ्लू का जो इन्फेक्शन है वो लार्वल स्टेज में हो रहा है। अगर ये एनिमल्स में है, बेसिकली अगर सीप में बात कर रहे हैं, तो सीप में हमने देखा मेटासर्केरिया लार्वा क्या करता है, ग्रो करके पत्तियां या पेड़ पौधे ऐसी जगह चिपक जाएगा, और जब उनको पत्तियां, सॉरी, जब पेड़ पौधों से पत्तियां एनिमल्स खाएंगे तो क्या होगा, उनकी बॉडी में जाएगा, ठीक है। और वो लार्वल स्टेज कौन सी है जो ग्रो कर रही है, मेटासर्केरिया लार्वा जाती है, ठीक है। इसका क्या इम्पैक्ट है, टाइप फर्स्ट बीइंग द मोस्ट मोर देन 5,000 इंजेस्टेड, ये क्या है, इसमें जो टाइप फर्स्ट आ रहा है वो बहुत क्या है, मोर देन वही होता है, मोर देन 5,000 इंजेस्टेड, ये ज्यादातर यही क्या होता है, इन्फेक्टेड स्टेज में बाहर अंदर जाता है, सडन डेथ हो सकती है, वीकनेस, एनीमिया, वेट लॉस, अगर एनिमल्स में ये है तो उनकी क्या है, डेथ भी हो सकती है, क्यों, क्योंकि ये उनके लीवर को क्या करता है, डैमेज कर देता है, वो तो बता नहीं सकते ना कि पेन हो रहा है कि क्या हो रहा है, उनमें यही सिम्टम्स होते हैं, वीकनेस दिखाई देगी, इनीमिया, और उनका वेट लॉस होगा बहुत जल्दी, ठीक है। तो ये एनिमल्स के सिम्टम्स हो गए, और उनकी इस वजह से क्या है, लिवर में रह रहा है, लिवर के टिश्यू को डैमेज कर रहा है, लिवर में ब्लड को खा रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है, लिवर डैमेज होगा तो बॉडी का फंक्शन, बहुत सारी चीजें हैं जो लिवर के थ्रू हो रही हैं वो खत्म होंगी, तो एनिमल की डेथ भी हो सकती है, ठीक है।
ब्लड फ्लूक्स या सिस्टोसोम्स, ये हमने देखा था, इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। ब्लड फ्लूक्स कॉमन इन अफ्रीका, एशिया एंड साउथ अमेरिका, ये बेसिकली एशिया में ज्यादातर देखने को मिल रहा है, ठीक है। कॉज डिसीज नोन एज सिस्टोसोमेसिस आर बिलहर्जिया, ये क्या है, ये एक तरह से ये डिसीज कॉज करती है सिस्टोसोमेसिस, ठीक है। हैवी इन्फेक्शन में कॉज फीवर, ज्यादा अगर इन्फेक्शन है तो क्या है, फीवर हो सकता है, चिल्स हो सकती है। लिम्फ नोड इनलार्ज, जो लिम्फ नोड है वो क्या है, बड़ा हो जाएगा साइज में, ठीक है, साइज में बड़ा दिखाई देगा। एंड लिवर एंड स्प्लीन इनलार्ज, जो लिवर और स्प्लीन है वो भी क्या होगा, साइज में बड़ा होगा। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, यूरिनेशन क्या होगा, यूरिनेशन की जो फ्रिक्वेंसी है यूरिन पास आउट करने की, वो बढ़ जाएगी। ब्लड इन यूरिन, यूरिन में क्या होगा, ब्लड जाएगा, उसके साथ साथ स्टूल जो पास करेंगे उसमें भी क्या होगा, ब्लड बहुत जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ब्लड फ्लूक है, लिवर को डैमेज कर रहा है। इन्वेशन इन स्किन में कॉज रैसेस, स्किन में बहुत सारे रैसेस दिखाई देंगे इसकी वजह से। तो अगर ब्लड फ्लूक या सिस्टोसोम का इन्फेक्शन ह्यूमंस में है तो ये उसके सिम्टम्स हैं। ज्यादातर क्या है, अगर बहुत हैवी दिखाई दे रहा है, बहुत तेज फीवर है, तो वो क्या है, इसका सिम्टम्स हो सकता है कि वो सिस्टोसोम से ग्रसित है, ठीक है। उसके अलावा स्प्लीन और लीवर का बढ़ जाना, यूरिनेशन का क्या है, फ्रिक्वेंस हो जाना, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन आना, उसके साथ साथ यूरिन और स्टूल में क्या है, ब्लड का जाना, ये भी इसके रीजंस हो सकते हैं। स्किन में बहुत सारे रैसेस पड़ना, ये इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। देखिए लाइफ साइकिल ऑफ द बीफ या बीफ टैप वर्म, इसको हमने पढ़ा था अभी, तो इसकी लाइफ साइकिल कैसे होती है। बीफ को क्या है, डाइजेनेटिक है, देखा हमने ह्यूमंस और काऊ में क्या है, इसके होस्ट है, तो इसके लाइफ साइकिल है, देख लेते हैं। इन पर्सन स्टमक लार्वल इन इमर्ज फ्रॉम सिस्ट, ये सिस्ट जो लार्वा है ये ह्यूमंस में मान लीजिए हो रहा है, तो ये गया उनके स्टमक में, वहां से ग्रेविड प्रोग्लॉटिड ड्रॉप ऑफ द एग्जिट विद फीकस, ह्यूमंस में आया, फीकस के थ्रू क्या हुआ, बाहर किया गया, ठीक है। एक्सक्रीशन के थ्रू या एक्सक्रीटरी मैटर के थ्रू, फीकस के थ्रू बेसिकली जो स्टूल पास करेगा ह्यूमन, उसके थ्रू एनवायरमेंट में चला गया, एनवायरमेंट में आया रेजिस्टेंट एग एंड रिलीज इन ग्रॉस, घास वगैरह में क्या होगा, फिर ये ग्रॉस में क्या करेगा, अपने एग रिलीज करेगा। उसके बाद ये घास में एग रिलीज कर दिया, अल्टरनेटेड होस्ट है वो है काऊ, इसने इस घास को खा लिया, तो घास के साथ क्या है, इसके एक्स भी जो काऊ है उसकी बॉडी में चले गए, ठीक है। एग हैच्ड एंड माइग्रेट्स इनटू काऊ मसल्स, उसके बाद इसके जो एग्स हैं वो काऊ के पेट में गए, वहां पे क्या होंगे, डेवलप होंगे और काऊ की मसल्स में जाएंगे। फ्रॉम ए ब्लेडर वर्म इन मसल्स टिश्यू, ये फिर एक ब्लेडर वर्म से क्या हो रहा है, एक टिश्यू मसल्स टिश्यू में गया, मसल्स में गया, सब जगह क्या हो गया, उसका इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। इंसिस्ट लार्वल ऑकर्स इन मेसी बीफ, उसके बाद अगर ये देखिए काऊ क्या है, अब ये इन्फेक्टेड हो गई है, ठीक है। इसको अगर अब कोई ह्यूमन इसका मांस वगैरह खा रहा है कुछ भी, तो इसका बेसिकली मांस के थ्रू ही फैलता है, तो मांस खाएगा तो फिर से ये क्या है, फाइनल होस्ट आ गया ह्यूमन में, ठीक है। तो ये इसका डायजेनेटिक फेज हो गया, दो फेज में कंप्लीट हो रहा है। इसका जो अल्टरनेटेड होस्ट है वो कौन सा है, काऊ है, और जो फाइनल होस्ट है वो ह्यूमन है, ठीक है। तो ये बीफ टैप वर्म की बात कर रहे हैं। फैसियोला हिपेटिका की लाइफ साइकिल देख लेते हैं, इसके बारे में भी हमने देखा कि ये भी क्या है, डाइजेनेटिक है, कैसे कैसे आता है और क्या इसका लाइफ साइकिल होता है, ये देख लेते हैं। मेटासर्केरिया आर ऑन वाटर प्लांट इंजेस्टेड बाई ह्यूमन शीप आर कैटल, ये इनका इसका जो इन्फेक्शन है वो किसके केस में हो रहा है, ज्यादातर बेसिकली वर्टिब्रेट में हो रहा है। वर्टिब्रेट में भी जैसे जो भी रूमिनेंट एनिमल्स हैं, जैसे कि भैंस, गाय, सीप वगैरह, भेड़ बकरी, ठीक है, उसके साथ साथ ह्यूमन में इसने ह्यूमन में देखिए पत्तियां, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, सब्जी वगैरह, उसके थ्रू या वाटर के थ्रू ये मेटासर्केरिया लार्वा ह्यूमन्स में गया, ठीक है। इंसिस्ट इन ड्यूडेनम, उसके बाद इनके इंटेस्टाइन में गया, ठीक है। 24 आवर्स में इसने रेप्लिकेट किया और यहाँ पे क्या हुआ,
एग इसके डेवलप हुए, ठीक है। सबसे पहले मेटासर्केरिया लार्वा गया, लार्वा क्या करेगा, एग बनाएगा ना। तो ये एग कहाँ पे बन रहे, ह्यूमन की इंटेस्टाइन में डेवलप हो रहे हैं। उसके बाद एम्ब्रियोनिक एग इन वाटर। अब ये एग क्या है, मान लीजिए यूरिन के थ्रू या फीकस के थ्रू ह्यूमन की बॉडी से वाटर में या एनवायरमेंट में गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरासीडिया हैच एंड पिनिट्रेटेड स्नेल, ये कहाँ पे आया, वाटर में आया, किसी न किसी थ्रू से एनवायरमेंट में रिलीज हुआ। उसके बाद ये वाटर में आया और वाटर में इसका जो सेकेंड वो प्राइमरी होस्ट है वो है स्नेल। ये स्नेल में आ गया, स्नेल पे इसने फिर अपने बाकी की जो लार्वल स्टेज है, स्पोरोसिस्ट, स्पोरोसिस्ट से फिर रेडिया और रेडिया से फिर सर्केरिया, तो ये डेवलप किया। सर्केरिया से, सर्केरिया जो लार्वा है वो क्या है, फ्री स्विमिंग सर्केरियल सिस्ट एंड वाटर एंड प्लांट्स, ये क्या है, सर्केरिया लार्वा फिर से वाटर में रिलीज होगा और ये वाटर से रिलीज होगे वापस से फिर जाएगा ह्यूमंस की बॉडी में, या जो भी कैटल्स वगैरह हैं वाटर में जाएगा, या वाटर में जो प्लांट वगैरह हैं उनमें पहुंचेगा, उसके थ्रू फिर वापस से जाएगा जो होस्ट है ह्यूमन उसकी बॉडी में, या फिर जिनमें इन्फेक्शन हो रहा है, सीप में पानी पियेंगे अगर इन्फेक्टेड वाटर को पी रहे हैं, जो भी रुमिनेंट एनिमल्स हैं काऊ सीप ये सब अगर पानी उसको पिए, मेटासर्केरिया लार्वा अंदर गया तो वो फिर क्या करेगा, फिर से डेवलप होगा। तो ये फैसियोला हिपैटिका की लाइफ साइकिल हो गई, ठीक है। तो फाइनल ये हो गया फाइलम प्लेटिहेलमिंथीस का क्या, कंप्लीट एक तरह से क्लासिफिकेशन। हम जो फाइलम प्लेटिहेलमिंथीस के टाइप वर्म्स के क्या करेक्टर से पढ़े थे उसको एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए शुरू से शुरुआत की थी हमने, देखा था कि इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से डेवलप होना स्टार्ट होता है। अगर इसके पहले जितने भी फाइलम हमने पढ़े, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम सीलेंट्रेटा, पोरीफेरा, उनमें क्या देखने को मिल रहा था, उनका जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था वो क्या था, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बट यहाँ पे फाइलम प्लेटिहेलमिंथीस से ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम डेवलप होना चालू हो जाएगा। अब इसके आगे जितना हम बढ़ते जाएंगे, जितने फाइलम में वर्टिब्रेट तक, तो वहां पे क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाएगा, ठीक है। सिमेट्री की बात करें, इनमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है और रेडियल में भी बेसिकली बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिली थी, ठीक है। जर्म लेयर की बात कई किए थे, तो जर्म लेयर में इनके जो जर्म लेयर है वो कैसी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक थी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म बन रही थी। एक्टोडर्म जो है वो क्या बना रही थी, बाहर वाली लेयर इपीडर्मिस का फॉर्मेशन कर रही थी। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मीजोडर्म भी प्रेजेंट है, और मीजोडर्म में क्या हो रहा था, जितने ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन डेवलप हो रहे हैं, मसल्स, टिश्यू, सब कहाँ पे प्रेजेंट थे, मीजोडर्म प्रेजेंट थे। और जो इंडोडर्म है इनर लेयर, वो क्या कर रही थी, गट का या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, बेसिकली डाइजेस्टेड डाइजेशन वाले ट्रैक का निर्माण कर रही थी, ठीक है। सीलोम की बात करें तो ये ए सीलोमेट होते हैं, इनमें कोई भी सीलोम देखने को नहीं मिलता है। हैबिट एंड हैबिटेट मेनली एक्वाटिक, इंडो पैरासाइट होते हैं, सम आर फ्री लिविंग। फ्री लिविंग की बात करें तो जैसे क्लास टर्बुलेरिया की बात करें, उसके जितने एनिमल्स हैं वो फ्री लिविंग है। एंडो पैरासाइट की बात करें, क्लास सेस्टोडा के जितने एनिमल्स हैं वो क्या हैं, वर्टिब्रेट में इंडो पैरासाइट होते हैं, ठीक है। और कुछ क्या है, एक्वाटिक भी होते हैं, जैसे कि टर्बुलेरिया में ही बात करें वो क्या है, फ्री लिविंग है, एक्वाटिक है, नॉर्मली मैराइन एंड फ्रेश वाटर हैबिटेट में प्रेजेंट है, जैसे कि प्लानेरिया, डुगेसिया, उसी को बोला जाता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट टाइप का है, इनकम्प्लीट से मतलब यहाँ पे कोई, मतलब दो ओपनिंग नहीं देखने को मिल रही है, सिंगल ओपनिंग देखने को मिल रही है इनके डाइजेस्टिव ट्रैक पे, और वो कौन सी थी, वो है माउथ, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, अब्सेंट है, रेस्पिरेशन सिंपल डिफ्यूजन बाय स्किन ही हो रहा है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्या है, अब्सेंट है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो बाय फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन किसमें देखा था, प्लानेरिया में हमने देखा था, फ्रेगमेंट में उसकी बॉडी अगर कट कर दी जाए तो वो क्या है, वो अलग अलग जो फ्रेगमेंट कट किए गए हैं उनसे नए इंडिविजुअल वो डेवलप कर लेता है, तो ये होता है बाई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, हर्मोप्रोडाइट टाइप के होंगे, हर्मोप्रोडाइट मोनोसियस होते हैं, मतलब कि एक ही इंडिविजुअल में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है।
इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल टाइप का है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट टाइप का है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन और उसके साथ साथ क्या होता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, हर्मोप्रोडाइट है तो यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन से मतलब कि हर्मोप्रोडाइट है, मोनोसियस है, तो इनकी बॉडी में क्या है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक दोनों एक ही इंडिविजुअल की बॉडी में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, फीमेल और मेल जेनाइटल पोर से क्या होगा, स्पर्म और ओवम रिलीज होगा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि मेल गैमिट एक टाइम पे रिलीज हो रहा है तो उसी टाइम पे फीमेल गैमिट भी रिलीज हो। एक इंडिविजुअल से अगर मेल गैमिट रिलीज हो रहा है और दूसरे इंडिविजुअल से क्या है, फीमेल गैमिट रिलीज हो रहा है, तो वो दोनों क्या करेंगे, वो बेसिकली क्रॉस फर्टिलाइजेशन करके अपने आप को डेवलप करेंगे। ठीक है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, मैनी लार्वल स्टेज देखने को मिलेंगी। उसके बाद इनके फीचर्स की बात करते हैं कि इनके क्या यूनिक फीचर थे। अनसेगमेंटेड, इनकी बॉडी, अच्छा हमने देखा था फॉल्स सेगमेंट एक वर्ड आया था। फॉल्स सेगमेंट क्यों बोला था? क्योंकि इनकी बॉडी, जैसे फैसियोला हिपेटिका में बात करें, जो लास्ट क्लास सिस्टोडा में हमने पढ़ा, फैसियोला हिपेटिका की जो बॉडी है वो ऐसे दिखाई देती है जैसे कि सेगमेंट में बटी है, बट वो एक्चुअल में ट्रू सेगमेंट नहीं होते हैं, इसीलिए उनको फॉल्स सेगमेंट बोला गया। ये अनसेगमेंटेड होते हैं। ठीक है, डार्सो वेंट्रली फ्लैटेड बॉडी, इनका जो बॉडी है वो फ्लैट होता है, डॉर्सल और वेंट्रल दो सरफेस में डिवाइड होगा। एक्सेप्ट टैपवॉर्म्स, एक्सेप्ट टैपवॉर्म्स, टैपवॉर्म्स जो होते हैं वो फीते नुमा होते हैं। एक्सक्रीशन बाय फ्लेम सेल्स, ये इनका यूनिक फीचर है। इनका जो एक्सक्रीशन है वो किसके द्वारा हो रहा है? प्रोटोनेफ्रीडिया, या इन्हीं को क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल्स बोलते हैं। ठीक है, पैरासाइट हैव हुक्स एंड सकर, इनमें एडेसिव ग्लैंड्स देखने को मिल रही थी, एडेसिव ऑर्गन देखने को मिल रहे थे, जो क्या थे, किसी भी होस्ट की बॉडी से, जिससे ये क्या है, एंडो पैरासाइट है, तो उनकी बॉडी से चिपकाने का काम कर रहे थे। वो कौन से थे? हुक और सकर। सम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट थ्रू दियर बॉडी सरफेस। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, अब्सेंट है यहाँ पूरी तरह। जो भी होस्ट हैं उसकी बॉडी से क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू वहां से न्यूट्रिएंट्स डायरेक्ट एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें, टीनिया सोलियम, फैसियला हिपैटिका, प्लानेरिया, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए। तो ठीक है, ये हो गया फाइलम प्लेटिहेलमिंथीस कंप्लीट। ठीक है, करेक्टर्स देख लिए, उसका रिप्रोडक्शन देख लिया, किस किस टाइप का रिप्रोडक्शन होगा, उसके बाद प्रॉपर क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, तो फाइनली ये कंप्लीट हो गया। अब इससे आगे हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे अगला फाइलम, जो कि होगा फाइलम एस्केहेलमिंथीस। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन